to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, and I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots, till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get on safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Hey, what's up guys, welcome to our channel Velocity Movie. And आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रेट्रीब्यूशन मूवी के बारे में सारे फैक्ट्स एंड फिगर एक्सप्लेन करने वाला हूँ. आपको पता ही होगा ये जो मूवी है 1 आवर 31 मिनट का एक पूरा एक कॉन्सेप्ट मूवी है. एंड हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा इस मूवी के अंदर एक्शन वाले सीन देखने को मिलेगा. तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस मूवी का IMDb रेटिंग से लेकर इस मूवी को कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे आप बिल्कुल देख सकते हो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो. एंड उसी के साथ मैं कैस्ट एंड क्रू भी आपको एक्सप्लेन करूंगा. एंड गाइस IMDb पहले हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करेंगे. एंड सबसे पहले मेक श्योर कर लो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो ताकि आप लोगों को लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर से अपडेटेड रह पाओ. तो मेक श्योर करो सब्सक्राइब करते हो एंड उसके बाद जाके कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा आप कमेंट कर देना. एंड मेक श्योर कर लो गाइस बेल आइकन भी दबा लेते हो ताकि जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए. रेट्रीब्यूशन जो मूवी है इसको टोटल IMDb पे 10 out of 5.3 का रेटिंग मिला है. तो हाँ गाइस पता है मैं अपने पुराने वीडियो में मैं बोलता हूँ 5.3 रेटिंग मतलब हाँ उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है. लाइक 5.9 के ऊपर जो रेटिंग होता है वो बहुत अच्छा मूवी बताता है. लेकिन ये जो मूवी है गाइस एक्शन थ्रिलर मूवी है, समझ जाओ. तो ये जो मूवी है वन टाइम वॉच मूवी है एंड आपको 100% एक बार देखना चाहिए. लाइक देख लो रेटिंग भी दिया है इसे टोटल 15,000 यूज़र ने, 10 out of 5.3 का रेटिंग दिए हैं 15,000 यूज़र, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेटिंग है. उसी में 140 का हम लोगों को यूज़र रिव्यू देखने को मिलता है, 84 का क्रिटिक्स रिव्यू एंड उसी के साथ मेटा स्कोर इस मूवी का है 43 का. तो गाइस हाँ मेटा स्कोर भी थोड़ा कम लग रहा है ना, क्योंकि 78 का होता है, 100 का मेटा स्कोर होता है. तो वो जो मूवी है बहुत ज़्यादा फेमस है. ये जो मूवी है फेमस उतना नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इस मूवी को देखा जा रहा है, क्योंकि इसका जो थ्रिलर है ना इस मूवी के अंदर थ्रिल बहुत ज़बरदस्त है भाई. बैंक के रिलेटेड जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा. ये जो मूवी है कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ Amazon Prime Video अगर आपके पास है तो उस पर आप इस मूवी को देख सकते हो. एंड Google Play Movies एंड TV पे आप 150 rupees पे करके देख सकते हो. रेंटल ऑप्शन उधर Google Play एंड मूवीज पे आपको पता ही होगा. एंड उसी के साथ अगर Apple के भाई कुछ फ़ैन हो, Apple TV लिखे हो, तो आप 150 rupees दे के Apple TV पे भी दे सकते हो. अदरवाइज आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप उधर से भी इस मूवी को देख सकते हो. लेकिन मेन आते हैं हम लोग रोटन टमाटोज के रेटिंग पे, जहाँ पे रेट्रीब्यूशन मूवी को 28% का टोमेटो मीटर्स मिला है. एंड उसी के साथ ऑडियंस स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है. लाइक 66% का इस मूवी का ऑडियंस स्कोर है. एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ क्योंकि इसमें अपना हॉनेस्ट रिव्यू भी बताऊँगा मूवी मेरे को कैसा लगा. एंड आप लोग उसके बाद देख लेना आपको देखना है कि नहीं देखना है. इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर मैं बता देता हूँ एंड उसी के साथ मैं आपको अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊँगा कि आपको वन टाइम देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा. रेट्रीब्यूशन जो है 2023 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं निमरॉड एंटल एंड इसके राइटर हैं क्रिस सेलमैन पोर. एंड इस मूवी के अंदर हम लोग को स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे लियाम नेनसोन एंड नोमन डेम्यूजी, लिली एस्पेल, जैक चैम्पियन, एम्बेथ डेविड्स एंड मैथ्यू मोडिन. तो इतने सारे हम लोगों को इस मूवी के अंदर कैस्ट एंड क्रू में देखने को मिलते हैं. एंड आपको पता होगा ये जो मूवी है रीमेक मूवी है, तो मेक श्योर करो ये मत भूलना. 2015 के अंदर एक स्पैनिश मूवी आई थी जिसका नाम था डेस्कॉन कीडा,
ये जो मूवी है इसी मूवी का ये रीमेक वर्जन है। तो हाँ, अगर आपने स्पेनिश 2015 का मूवी देख रखा है तो ऑब्वियसली गाइस आप इस मूवी को एस्केप कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा देखना ही मत, क्योंकि आपने पहले एक स्टोरी को देख रखा है तो उसी स्टोरी पे भी जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। 2015 में रिलीज हुआ था, याद रखना, डेस्कॉन्किडो करके मूवी था। एंड अब गाइस हम लोग बढ़ते हैं इस मूवी के मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस क्या है, लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मूवी का बजट जाना, वो था अराउंड 20 मिलियन, और देखा जाए हॉलीवुड के हिसाब से तो भाई बहुत कम बजट है। मतलब हॉलीवुड का एक मीडियम एवरेज बजट हम लोग रखा जाए तो भी स्टार्ट होता है 100 मिलियन यूएस डॉलर या फिर 68 मिलियन यूएस डॉलर, लेकिन इस मूवी का बजट ही बहुत कम है, देख रहे हो ना, 20 मिलियन यूएस डॉलर है। तो मतलब हाँ, जस्टिफाई करता है। स्टोरी के अंदर भी हमें उतना खास कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो स्टोरी है एक तरह से पहले से ही मूवी में दूसरे मूवी हमें देखने को मिलता है, इसलिए लोग क्या कहें, स्टोरी को कॉपी किए हैं, तो इसलिए जो बजट है वो बहुत कम लगा इस मूवी के अंदर। उसी के बाद बॉक्स ऑफिस गाइस बहुत डिस्करेज आपको देखने को मिलेगा, लाइक जो बॉक्स ऑफिस है मूवी जो है अभी तक आई थिंक फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी को मिला है 18.7 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि बताता है ऑब्वियसली ये जो मूवी है फ्लॉप जा रहा है, क्योंकि अभी तक अपने बजट को भी ये जो मूवी है कवर नहीं कर पाया है। एंड इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 5.3 आईएमडीबी होल्ड कर रहा है, तो मूवी जो है उतना मतलब अच्छा नहीं है, या फिर आप लोग स्किप कर सकते हो इस मूवी को। देख लो, रिलीज डेट इस मूवी का था अगस्त 23, 2023 फ्रांस के अंदर, अगस्त 25, 2023 यूनाइटेड स्टेट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। ये जो मूवी है आप लोगों को सारे लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा, ड्यूअल चैनल लैंग्वेज मूवी सपोर्ट करता है, लाइक अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो आपको मल्टीपल ऑडियो देखने को मिलेगा, एंड गाइस सेम गोज टू अदर लैंग्वेज, आपको लाइक अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको उस कंट्री में जो मूवी है डब्ड देखने को मिलेगा, तो आप अपने लैंग्वेज के अंदर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। एंड उसी के साथ कौन से कंट्री के अंदर जो मूवी है रिकॉर्ड हुआ है, तो देख लो, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो मूवी है पूरा शूट आउट हुआ है। 90 मिनट्स का टोटल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा मूवी के अंदर, जहां पे अभी देखा जाए इंटरनेशनल को प्रोडक्शन फ्रांस में हुआ था, जर्मनी, स्पेन के अंदर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। रेट्रीब्यूशन का रिलीज डेट मैंने बता दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा गाइस वही ना, मतलब होता है ना, क्रिटिक्स से क्रिटिज़म फेस करना पड़ रहा है इस मूवी को, जैसे कि आईएमडीबी भी बहुत कम है इस मूवी का। उसी के साथ इस मूवी का लाइक देखा जाए तो इस मूवी का जो लाइक बजट है एंड बॉक्स ऑफिस है वो भी कवर अप नहीं हो पाया, इसलिए जो मूवी है राइट नाउ फ्लॉप कंडीशन में है। एंड जो इसके प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं लाइक द पिक्चर वन कंपनी, ओमरा फिल्म, TF1 फिल्म स्टूडियो एंड स्टूडियो बेबल्सबर्ग, तो ये जो गाइस है ये सारे लोग भी बोल रहे हैं मतलब ये जो मूवी है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, लाइक जो एक्सपेक्टेड था इन लोगों का, मतलब इन लोगों को लग रहा था जो मूवी आराम से 50 मिलियन यूएस डॉलर तक जाएगा, लेकिन ये जो मूवी है उतना अभी तक नहीं अर्न कर पाया। एंड गाइस अब रही मेरी बात, मतलब मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में, तो मैं गाइस ऑब्वियसली लियाम नेसोन जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं आप जानते ही हो, तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि ये जो मूवी है जाके देखो। अगर आपने 2015 में जो आई स्पेनिश फिल्म उसको नहीं देखा है तो 100% मैं एक बार रिकमेंड करूंगा, ये जो मूवी है बहुत अच्छा मूवी है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। थिएटर में तो नहीं देख सकते हो जानती हो तुम लोग, तो मेक श्योर करो OTT चैनल पर देखते हो, या फिर भाई तरीके बहुत सारे हैं मूवी देखने का, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, अदरवाइज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी देता कैसे देखना है किसी मूवी को। तो यार आप लोग जाके YouTube पे सर्च कर लेना कैसे मूवी को देखना है, एंड उसके बाद इस मूवी को जरूर देखो, एंड एक बार जरूर आके कमेंट सेक्शन में बता देना कि जो मूवी है आप लोगों को कितना अच्छा लगा है। अदरवाइज मैं एक शौक लो चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड नोटिफिकेशन दबा लेते हो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मैं बताते रह पाऊँ। तो गाइस हाँ, बाय बोलने से पहले एक और बात बता दे रहा हूँ, मतलब मूवी के अंदर कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लियाम नेसोन जो है वो मैट टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं, नॉम डीमिन विनी जो है वो एंजेला ब्रिकमैन का रोल प्ले कर रही हैं, लिली एस्पेल जो है एमिला टर्नर का रोल प्ले कर रही हैं, एंड जो जैक चैम्पियन है वो जैक टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग को और 3-4 क्र्यू एंड मेंबर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली गाइस पता है क्र्यू का जो है उनका इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं आ पाता है, आर्टिकल में वैसा नहीं होता है, तो हम लोग करते हैं जो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस मेन स्क्रीन पे प्ले कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। लाइक मैथ्यू मॉडेन जो है वो एंड्रियस मुलर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड उसी के साथ लास्ट में आपको एम्बेथ डेविड्स जो हैं हेथर टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब गाइस आप लोग जा सकते हो एंड मेक श्योर कर लो मूवी को जाके देखते हो, उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हो, एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी और अगले कमाल के वीडियो के अंदर कर लेते हो ताकि आप लोगों को लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर से अपडेटेड रह पाओ। तो मेक श्योर करो सब्सक्राइब करते हो एंड उसके बाद जाके कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा आप कमेंट कर देना, एंड मेक श्योर कर लो गाइस बेल आइकन भी दबा लेते हो ताकि जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। रेट्रीब्यूशन जो मूवी है इसको टोटल IMDb पे 10 आउट ऑफ 5.3 का रेटिंग मिला है, तो हाँ गाइस पता है
मैं अपने पुराने वीडियो में मैं बोलता हूँ 5.3 रेटिंग मतलब हाँ उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। लाइक 5.9 के ऊपर जो रेटिंग होता है वो बहुत अच्छा मूवी बताता है। लेकिन ये जो मूवी है गाइस एक्शन थ्रिलर मूवी है, समझ जाओ। तो ये जो मूवी है वन टाइम वॉच मूवी है एंड आपको 100% एक बार देखना चाहिए। लाइक देख लो, रेटिंग भी दिया है इसे टोटल 15,000 यूज़र ने, 10 out of 5.3 का रेटिंग दिए हैं 15,000 यूज़र, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेटिंग है। उसी में 140 का हम लोगों को यूज़र रिव्यू देखने को मिलता है, 84 का क्रिटिक्स रिव्यू एंड उसी के साथ मेटा स्कोर इस मूवी का है 43 का। तो गाइस हाँ, मेटा स्कोर भी थोड़ा कम लग रहा है ना, क्योंकि 78 का होता है, 100 का मेटा स्कोर होता है, तो वो जो मूवी है बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो मूवी है फेमस उतना नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस मूवी को देखा जा रहा है, क्योंकि इसका जो थ्रिलर है ना इस मूवी के अंदर, थ्रिल बहुत ज़बरदस्त है भाई। बैंक के रिलेटेड जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। ये जो मूवी है कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, Amazon प्राइम वीडियो अगर आपके पास है तो उस पर आप इस मूवी को देख सकते हो, एंड Google Play मूवीज़ एंड TV पे आप 150 rupees पे करके देख सकते हो। रेंटल ऑप्शन उधर Google Play एंड मूवीज़ पे आपको पता ही होगा। एंड उसी के साथ अगर Apple के भाई कुछ फ़ैन हो, Apple TV लिखे हो, तो आप 150 rupees दे के Apple TV पे भी दे सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप उधर से भी इस मूवी को देख सकते हो। लेकिन मेन आते हैं हम लोग रोटन टमेटोज़ के रेटिंग पे, जहाँ पे रिट्रीब्यूशन मूवी को 28% का टमेटो मीटर्स मिला है एंड उसी के साथ ऑडियंस स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। लाइक 66% का इस मूवी का ऑडियंस स्कोर है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, क्योंकि इसमें अपना हॉनेस्ट रिव्यू भी बताऊँगा मूवी मेरे को कैसा लगा, एंड आप लोग उसके बाद देख लेना आपको देखना है कि नहीं देखना है। इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर मैं बता देता हूँ एंड उसी के साथ मैं आपको अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊँगा कि आपको वन टाइम देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। रिट्रीब्यूशन जो है 2023 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं निमरॉड एंटल एंड इसके राइटर हैं क्रिस सेलमैन पोर। एंड इस मूवी के अंदर हम लोग को स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे लियाम नेनसोन एंड नोमन डेम्यूजी, लिली एस्पेल, जैक चैम्पियन, एम्बेथ डेविड्स एंड मैथ्यू मोडिन। तो इतने सारे हम लोगों को इस मूवी के अंदर कैस्ट एंड क्रू में देखने को मिलते हैं। एंड आपको पता होगा ये जो मूवी है रीमेक मूवी है, तो मेक श्योर करो ये मत भूलना, 2015 के अंदर एक स्पेनिश मूवी आई थी जिसका नाम था डेस्कॉन कीडा। ये जो मूवी है इसी मूवी का ये रीमेक वर्जन है। तो हाँ, अगर आपने स्पेनिश 2015 का मूवी देख रखा है तो ऑब्वियसली गाइस आप इस मूवी को एस्केप कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा देखना ही मत, क्योंकि आपने पहले एक स्टोरी को देख रखा है, तो उसी स्टोरी पे भी जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। 2015 में रिलीज़ हुआ था, याद रखना, डेस्कॉन कीडा करके मूवी था। एंड अब गाइस हम लोग बढ़ते हैं इस मूवी के मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस क्या है। लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मूवी का बजट जाना, वो था अराउंड 20 million, और देखा जाए हॉलीवुड के हिसाब से तो भाई बहुत कम बजट है। मतलब हॉलीवुड का एक मीडियम एवरेज बजट हम लोग रखा जाए तो भी स्टार्ट होता है 100 million US या फिर 78-68 million US, लेकिन इस मूवी का बजट ही बहुत कम है, देख रहे हो ना, 20 million US है। तो मतलब हाँ, जस्टिफाई करता है। स्टोरी के अंदर भी हमें उतना खास कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो स्टोरी है एक तरह से पहले से ही मूवी में दूसरे मूवी हमें देखने को मिलता है, इसलिए लोग क्या कहें स्टोरी को कॉपी किए, तो इसलिए जो बजट है वो बहुत कम लगा इस मूवी के अंदर। उसी के बाद बॉक्स ऑफिस गाइस बहुत डिस्करेज आपको देखने को मिलेगा। लाइक जो बॉक्स ऑफिस है मूवी जो अभी तक आई थिंक फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी को मिला है 18.7 million US, जो कि बताता है ऑब्वियसली जो मूवी है फ्लॉप जा रहा है, क्योंकि अभी तक अपने बजट को भी ये जो मूवी है कवर नहीं कर पाया है। एंड इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 5.3 IMDb होल्ड कर रहा है, तो मूवी जो है उतना मतलब अच्छा नहीं है, या फिर आप लोग स्किप कर सकते हो इस मूवी को। देख लो, रिलीज डेट इस मूवी का था August 23, 2023 फ्रांस के अंदर, August 25, 2023 यूनाइटेड स्टेट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। ये जो मूवी है आप लोगों को सारे लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा, ड्यूअल चैनल लैंग्वेज मूवी सपोर्ट करता है। लाइक अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो आपको मल्टीपल ऑडियो देखने को मिलेगा, एंड गाइस सेम गोज़ टू अदर लैंग्वेज। आपको लाइक अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको उस कंट्री में जो मूवी है डब्ड देखने को मिलेगा, तो आप अपने लैंग्वेज के अंदर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। एंड उसी के साथ कौन से कंट्री के अंदर ये जो मूवी है रिकॉर्ड हुआ है, तो देख लो, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो मूवी है पूरा शूट आउट हुआ है। 90 मिनट्स का टोटल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा मूवी के अंदर, जहाँ पे अभी देखा जाए इंटरनेशनल को प्रोडक्शन फ्रांस में हुआ था, जर्मनी, स्पेन के अंदर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। रिट्रीब्यूशन का रिलीज डेट मैंने बता दिया,
लेकिन सबसे ज़्यादा गाइस वही ना, मतलब होता है ना क्रिटिक्स, इसे क्रिटिज़म फेस करना पड़ रहा है इस मूवी को, जैसे कि IMDB भी बहुत कम है इस मूवी का। उसी के साथ इस मूवी का लाइक देखा जाए तो इस मूवी का जो लाइक बजट है एंड बॉक्स ऑफिस है वो भी कवर अप नहीं हो पाया, इसलिए जो मूवी है राइट नाउ फ्लॉप कंडीशन में है। एंड जो इसके प्रोडक्शन कंपनियाँ लाइक द पिक्चर वन कंपनी, ओमरा फिल्म, TF1 फिल्म स्टूडियो एंड स्टूडियो बेबल्सबर्ग, तो ये जो गाइस है ये सारे लोग भी बोल रहे हैं मतलब ये जो मूवी है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है लाइक जो एक्सपेक्टेड था इन लोगों का। मतलब इन लोगों को लग रहा था जो मूवी आराम से $50 मिलियन तक जाएगा, लेकिन ये जो मूवी है उतना अभी तक नहीं अर्न कर पाया। एंड गाइस अब रही मेरी बात, मतलब मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में, तो मैं गाइस ऑब्वियसली लियाम नेसोन जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं आप जानते ही हो, तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि ये जो मूवी है जाके देखो। अगर आपने 2015 में जो आई स्पेनिश फिल्म उसको नहीं देखा है तो 100% मैं एक बार रिकमेंड करूंगा, ये जो मूवी है बहुत अच्छा मूवी है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। थिएटर में तो नहीं देख सकते हो जानती हो तुम लोग, तो मेक श्योर करो OTT चैनल पर देख दो, या फिर भाई तरीके बहुत सारे हैं मूवी देखने का, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, अदरवाइज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी देता कैसे देखना है किसी मूवी को। तो यार आप लोग जाके YouTube पे सर्च कर लेना कैसे मूवी को देखना है, एंड उसके बाद इस मूवी को जरूर देखो। एंड एक बार जरूर आके कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये जो मूवी है आप लोगों को कितना अच्छा लगा है। अदरवाइज मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड नोटिफिकेशन दबा लेते हो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मैं बताते रह पाऊँ। तो गाइस हाँ, बाय बोलने से पहले एक और बात बता दे रहा हूँ, मतलब मूवी के अंदर कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लियाम नेसोन जो है वो मैट टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं, नॉम डीमिन विनी जो है वो एंजेला ब्रिकमैन का रोल प्ले कर रही हैं, लिली एस्पेल जो है एमिला टर्नर का रोल प्ले कर रही हैं, एंड जो जैक चैम्पियन है वो जैक टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग को और 3-4 क्र्यू एंड मेंबर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली गाइस पता है क्र्यू का जो है उनका इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं आ पाता है, आर्टिकल में वैसा नहीं होता है, तो हम लोग करते हैं जो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस मेन स्क्रीन पे प्ले कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। लाइक मैथ्यू मॉडर्न जो है वो एंड्रियस मुलर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड उसी के साथ लास्ट में आपको एम्बेथ डेविड्स जो हैं हेथर टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब गाइस आप लोग जा सकते हो एंड मेक श्योर करो मूवी को जाके देखते हो, उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हो, एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी और अगले कमाल की वीडियो के अंदर कर लेते हो ताकि आप लोगों को लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर से अपडेटेड रह पाओ। तो मेक श्योर करो सब्सक्राइब करते हो एंड उसके बाद जाके कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा आप कमेंट कर देना, एंड मेक श्योर करो गाइस बेल आइकन भी दबा लेते हो ताकि जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। रेट्रीब्यूशन जो मूवी है इसको टोटल IMDB पे 10 out of 5.3 का रेटिंग मिला है। तो हाँ गाइस पता है मैं अपने पुराने वीडियो में मैं बोलता हूँ 5.3 रेटिंग मतलब हाँ उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लाइक 5.9 के ऊपर जो रेटिंग होता है वो बहुत अच्छा मूवी बताता है। लेकिन ये जो मूवी है गाइस एक्शन थ्रिलर मूवी है, समझ जाओ, तो ये जो मूवी है वन टाइम वॉच मूवी है एंड आपको 100% एक बार देखना चाहिए। लाइक देख लो रेटिंग भी दिया है इसे टोटल 15,000 यूज़र ने, 10 out of 5.3 का रेटिंग दिए हैं 15,000 यूज़र, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेटिंग है। उसी में 140 का हम लोगों को यूज़र रिव्यू देखने को मिलता है, 84 का क्रिटिक्स रिव्यू, एंड उसी के साथ मेटा स्कोर इस मूवी का है 43 का। तो गाइस हाँ मेटा स्कोर भी थोड़ा कम लग रहा है ना, क्योंकि 78 का होता है, 100 का मेटा स्कोर होता है, तो वो जो मूवी है बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो मूवी है फेमस उतना नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इस मूवी को देखा जा रहा है, क्योंकि इसका जो थ्रिलर है ना इस मूवी के अंदर थ्रिल बहुत ज़बरदस्त है भाई, बैंक के रिलेटेड जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। ये जो मूवी है कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ Amazon Prime Video अगर आपके पास है तो उस पर आप इस मूवी को देख सकते हो, एंड Google Play Movies एंड TV पे आप 150 रुपीज़ पे करके देख सकते हो, रेंटल ऑप्शन उधर Google Play एंड मूवीज़ पे आपको पता ही होगा। एंड उसी के साथ अगर Apple के भाई कुछ फ़ैन हो, Apple TV लिखे हो, तो आप 150 रुपीज़ दे के Apple TV पे भी दे सकते हो, अदरवाइज आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप उधर से भी इस मूवी को देख सकते हो। लेकिन मेन आते हैं हम लोग रोटन टमाटोज़ के रेटिंग पे, जहाँ पे रेट्रीब्यूशन मूवी को 28% का टमाटो मीटर्स मिला है, एंड उसी के साथ ऑडियंस स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, लाइक 66% का इस मूवी का ऑडियंस स्कोर है। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ क्योंकि इसमें अपना हॉनेस्ट रिव्यू भी बताऊँगा मूवी मेरे को कैसा लगा, एंड आप लोग उसके बाद देख लेना आपको देखना है कि नहीं देखना है। इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर मैं बता देता हूँ, एंड उसी के साथ मैं आपको अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊँगा कि आपको वन टाइम देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। रेट्रीब्यूशन जो है 2023 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं निमरॉड एंटल एंड इसके राइटर हैं क्रिस सेलमैन पोर, एंड इस मूवी के अंदर हम लोग को स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे लियाम नेसोन एंड नोमन डेम्यूजी, लिली एस्पेल, जैक चैम्पियन, एम्बेथ डेविड्स एंड मैथ्यू मॉडर्न, तो इतने सारे हम लोगों को इस मूवी के अंदर कैस्ट एंड क्रू में देखने को मिलते हैं। एंड आपको पता होगा ये जो मूवी है रीमेक मूवी है, तो मेक श्योर करो ये मत भूलना 2015 के अंदर एक स्पेनिश मूवी आई थी जिसका नाम था डेस्कॉन कीड़ा,
ये जो मूवी है इसी मूवी का ये रीमेक वर्जन है। तो हाँ, अगर आपने स्पेनिश 2015 का मूवी देख रखा है तो ऑब्वियसली गाइस आप इस मूवी को एस्केप कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा देखना ही मत, क्योंकि आपने पहले एक स्टोरी को देख रखा है तो उसी स्टोरी पे भी जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। 2015 में रिलीज हुआ था, याद रखना, डेस्कॉन्ग किडो करके मूवी था। एंड अब गाइस हम लोग बढ़ते हैं इस मूवी के मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस क्या है, लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मूवी का बजट जाना, वो था अराउंड 20 मिलियन, और देखा जाए हॉलीवुड के हिसाब से तो भाई बहुत कम बजट है। मतलब हॉलीवुड का एक मीडियम एवरेज बजट हम लोग रखा जाए तो भी स्टार्ट होता है 100 मिलियन US डॉलर या फिर 78-68 मिलियन US डॉलर, लेकिन इस मूवी का बजट ही बहुत कम है, देख रहे हो ना, 20 मिलियन US डॉलर है। तो मतलब हाँ, जस्टिफाई करता है। स्टोरी के अंदर भी हमें उतना खास कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो स्टोरी है एक तरह से पहले से ही मूवी में दूसरे मूवी हमें देखने को मिलता है, इसलिए लोग क्या कहें, स्टोरी को कॉपी किए हैं, तो इसलिए जो बजट है वो बहुत कम लगा इस मूवी के अंदर। उसी के बाद बॉक्स ऑफिस गाइस बहुत डिस्करेज आपको देखने को मिलेगा, लाइक जो बॉक्स ऑफिस है मूवी जो है अभी तक आई थिंक फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी को मिला है 18.7 मिलियन US डॉलर, जो कि बताता है ऑब्वियसली ये जो मूवी है फ्लॉप जा रहा है, क्योंकि अभी तक अपने बजट को भी ये जो मूवी है कवर नहीं कर पाया है। एंड इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 5.3 IMDb होल्ड कर रहा है, तो मूवी जो है उतना मतलब अच्छा नहीं है, या फिर आप लोग स्किप कर सकते हो इस मूवी को। देख लो, रिलीज डेट इस मूवी का था August 23, 2023 फ्रांस के अंदर, August 25, 2023 यूनाइटेड स्टेट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। ये जो मूवी है आप लोगों को सारे लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा, डुअल चैनल लैंग्वेज मूवी सपोर्ट करता है, लाइक अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो आपको मल्टीपल ऑडियो देखने को मिलेगा, एंड गाइस सेम गोज टू अदर लैंग्वेज, आपको लाइक अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको उस कंट्री में जो मूवी है डब्ड देखने को मिलेगा, तो आप अपने लैंग्वेज के अंदर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। एंड उसी के साथ कौन से कंट्री के अंदर जो मूवी है रिकॉर्ड हुआ है, तो देख लो, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो मूवी है पूरा शूट आउट हुआ है। 90 मिनट्स का टोटल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा मूवी के अंदर, जहाँ पे अभी देखा जाए इंटरनेशनल को प्रोडक्शन फ्रांस में हुआ था, जर्मनी, स्पेन के अंदर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। रेट्रीब्यूशन का रिलीज डेट मैंने बता दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा गाइस वही ना, मतलब होता है ना, क्रिटिक्स से क्रिटिज्म फेस करना पड़ रहा है इस मूवी को, जैसे कि IMDb भी बहुत कम है इस मूवी का। उसी के साथ इस मूवी का लाइक देखा जाए तो इस मूवी का जो लाइक बजट है एंड बॉक्स ऑफिस है वो भी कवर अप नहीं हो पाया, इसलिए जो मूवी है राइट नाउ फ्लॉप कंडीशन में है। एंड जो इसके प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं लाइक द पिक्चर वन कंपनी, ओमरा फिल्म, TF1 फिल्म स्टूडियो एंड स्टूडियो बेबल्सबर्ग, तो ये जो गाइस है ये सारे लोग भी बोल रहे हैं मतलब ये जो मूवी है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, लाइक जो एक्सपेक्टेड था इन लोगों का, मतलब इन लोगों को लग रहा था मूवी आराम से 50 मिलियन US डॉलर तक जाएगा, लेकिन ये जो मूवी है उतना अभी तक नहीं अर्न कर पाया। एंड गाइस अब रही मेरी बात, मतलब मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में, तो मैं गाइस ऑब्वियसली लियाम नेसोन जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं आप जानते ही हो, तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि ये जो मूवी है जाके देखो। अगर आपने 2015 में जो आई स्पेनिश फिल्म उसको नहीं देखा है तो 100% मैं एक बार रिकमेंड करूंगा, ये जो मूवी है बहुत अच्छा मूवी है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। थिएटर में तो नहीं देख सकते हो, जानते हो तुम लोग, तो मेक श्योर करो OTT चैनल पर देख दो, या फिर भाई तरीके बहुत सारे हैं मूवी देखने का, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, अदरवाइज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी देता कैसे देखना है किसी मूवी को। तो यार आप लोग जाके YouTube पे सर्च कर लेना कैसे मूवी को देखना है, एंड उसके बाद इस मूवी को जरूर देखो, एंड एक बार जरूर आके कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये जो मूवी है आप लोगों को कितना अच्छा लगा है। अदरवाइज मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड नोटिफिकेशन दबा लेते हो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मैं बताते रह पाऊँ। तो गाइस हाँ, बाय बोलने से पहले एक और बात बता दे रहा हूँ, मतलब मूवी के अंदर कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लियाम नेसोन जो हैं वो मैट टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं, नॉम डीमिन विनी जो हैं वो एंजेला ब्रिकमैन का रोल प्ले कर रही हैं, लिली एस्पेल जो हैं एमिला टर्नर का रोल प्ले कर रही हैं, एंड जो जैक चैम्पियन है वो जैक टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग को और 3-4 क्रू एंड मेंबर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली गाइस पता है क्रू का जो है उनका इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं आ पाता है, आर्टिकल में वैसा नहीं होता है, तो हम लोग करते हैं जो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस मेन स्क्रीन पे प्ले कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। लाइक मैथ्यू मॉडेन जो है वो एंड्रियस मुलर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड उसी के साथ लास्ट में आपको एम्बेथ डेविड्स जो हैं हेथर टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब गाइस आप लोग जा सकते हो एंड मेक श्योर कर लो मूवी को जाके देखते हो, उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हो, एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी और अगले कमाल की वीडियो के अंदर कर लेते हो, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर से अपडेटेड रह पाओ। तो मेक श्योर करो सब्सक्राइब करते हो, एंड उसके बाद जाके कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा आप कमेंट कर देना, एंड मेक श्योर कर लो गाइस बेल आइकन भी दबा लेते हो, ताकि जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। रेट्रीब्यूशन जो मूवी है इसको टोटल IMDb पे 10 आउट ऑफ 5.3 का रेटिंग मिला,
मिला है। तो हाँ गाइस पता है, मैं अपने पुराने वीडियो में मैं बोलता हूँ 5.3 रेटिंग मतलब हाँ उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। लाइक 5.9 के ऊपर जो रेटिंग होता है वो बहुत अच्छा मूवी बताता है। लेकिन ये जो मूवी है गाइस एक्शन थ्रिलर मूवी है, समझ जाओ। तो ये जो मूवी है वन टाइम वॉच मूवी है एंड आपको 100% एक बार देखना चाहिए। लाइक देख लो, रेटिंग भी दिया है इसे टोटल 15,000 यूज़र ने, 10 out of 5.3 का रेटिंग दिए हैं 15,000 यूज़र, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेटिंग है। उसी में 140 का हम लोगों को यूज़र रिव्यू देखने को मिलता है, 84 का क्रिटिक्स रिव्यू एंड उसी के साथ मेटा स्कोर इस मूवी का है 43 का। तो गाइस हाँ, मेटा स्कोर भी थोड़ा कम लग रहा है ना, क्योंकि 78 का होता है, 100 का मेटा स्कोर होता है, तो वो जो मूवी है बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो मूवी है फेमस उतना नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस मूवी को देखा जा रहा है, क्योंकि इसका जो थ्रिलर है ना इस मूवी के अंदर, थ्रिल बहुत ज़बरदस्त है भाई। बैंक के रिलेटेड जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। ये जो मूवी है कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, Amazon प्राइम वीडियो अगर आपके पास है तो उस पर आप इस मूवी को देख सकते हो, एंड Google Play मूवीज़ एंड TV पे आप 150 रुपीज़ पे करके देख सकते हो। रेंटल ऑप्शन उधर Google Play एंड मूवीज़ पे आपको पता ही होगा। एंड उसी के साथ अगर Apple के भाई कुछ फ़ैन हो, Apple TV लिखे हो, तो आप 150 रुपीज़ दे के Apple TV पे भी दे सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप उधर से भी इस मूवी को देख सकते हो। लेकिन मेन आते हैं हम लोग रोटन टमाटोज के रेटिंग पे, जहाँ पे रिट्रीब्यूशन मूवी को 28% का टमाटो मीटर्स मिला है एंड उसी के साथ ऑडियंस स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। लाइक 66% का इस मूवी का ऑडियंस स्कोर है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, क्योंकि इसमें अपना हॉनेस्ट रिव्यू बताऊँगा मूवी मेरे को कैसा लगा एंड आप लोग उसके बाद देख लेना आपको देखना है कि नहीं देखना है। इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर मैं बता देता हूँ एंड उसी के साथ मैं आपको अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊँगा कि आपको वन टाइम देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। रिट्रीब्यूशन जो है 2023 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं निमरॉड एंटल एंड इसके राइटर हैं क्रिस सेलमैन पोर एंड इस मूवी के अंदर हम लोग को स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे लियाम नेनसोन एंड नोमन डेम्यूजी, लिली एस्पेल, जैक चैम्पियन, एम्बेथ डेविड्स एंड मैथ्यू मोडिन। तो इतने सारे हम लोगों को इस मूवी के अंदर कैस्ट एंड क्रू में देखने को मिलते हैं एंड आपको पता होगा ये जो मूवी है रीमेक मूवी है, तो मेक श्योर करो ये मत भूलना। 2015 के अंदर एक स्पेनिश मूवी आई थी जिसका नाम था डेस्कॉनकीडा, ये जो मूवी है इसी मूवी का ये रीमेक वर्जन है। तो हाँ, अगर आपने स्पेनिश 2015 का मूवी देख रखा है तो ऑब्वियसली गाइस आप इस मूवी को एस्केप कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा देखना ही मत, क्योंकि आपने पहले एक स्टोरी को देख रखा है तो उसी स्टोरी पे भी जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। 2015 में रिलीज हुआ था, याद रखना, डेस्कॉनकीडा करके मूवी था। एंड अब गाइस हम लोग बढ़ते हैं इस मूवी के मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस क्या है, लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मूवी का बजट जाना वो था अराउंड 20 मिलियन, और देखा जाए हॉलीवुड के हिसाब से तो भाई बहुत कम बजट है। मतलब हॉलीवुड का एक मीडियम एवरेज बजट हम लोग रखा जाए तो भी स्टार्ट होता है 100 मिलियन US डॉलर या फिर 68 मिलियन US डॉलर, लेकिन इस मूवी का बजट ही बहुत कम है, देख रहे हो ना, 20 मिलियन US डॉलर है। तो मतलब हाँ जस्टिफाई करता है, स्टोरी के अंदर भी हमें उतना खास कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो स्टोरी है एक तरह से पहले से ही मूवी में दूसरे मूवी हमें देखने को मिलता है, इसलिए लोग क्या कहें स्टोरी को कॉपी किए हैं, तो इसलिए जो बजट है वो बहुत कम लगा इस मूवी के अंदर। उसी के बाद बॉक्स ऑफिस गाइस बहुत डिस्करेज आपको देखने को मिलेगा, लाइक जो बॉक्स ऑफिस है मूवी जो अभी तक आई थिंक फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी को मिला है 18.7 मिलियन US डॉलर, जो कि बताता है ऑब्वियसली ये जो मूवी है फ्लॉप जा रहा है, क्योंकि अभी तक अपने बजट को भी ये जो मूवी है कवर नहीं कर पाया है। एंड इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 5.3 IMDb होल्ड कर रहा है, तो मूवी जो है उतना मतलब अच्छा नहीं है, या फिर आप लोग स्किप कर सकते हो इस मूवी को। देख लो, रिलीज डेट इस मूवी का था August 23, 2023 फ्रांस के अंदर, August 25, 2023 यूनाइटेड स्टेट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। ये जो मूवी है आप लोगों को सारे लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा, ड्यूअल चैनल लैंग्वेज मूवी सपोर्ट करता है। लाइक अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो आपको मल्टीपल ऑडियो देखने को मिलेगा एंड गाइस सेम गोज़ टू अदर लैंग्वेज, आपको लाइक अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको उस कंट्री में जो मूवी है डब्ड देखने को मिलेगा, तो आप अपने लैंग्वेज के अंदर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। एंड उसी के साथ कौन से कंट्री के अंदर जो मूवी है रिकॉर्ड हुआ है, तो देख लो, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो मूवी है पूरा शूट आउट हुआ है। 90 मिनट्स का टोटल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा मूवी के अंदर, जहाँ पे अभी देखा जाए इंटरनेशनल को प्रोडक्शन फ्रांस में हुआ था, जर्मनी, स्पेन के अंदर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। रिट्रीब्यूशन का रिलीज डेट मैंने बता दिया,
लेकिन सबसे ज़्यादा गाइस वही ना, मतलब होता है ना, क्रिटिक्स से क्रिटिज्म फेस करना पड़ रहा है इस मूवी को, जैसे कि IMDb भी बहुत कम है इस मूवी का। उसी के साथ इस मूवी का लाइक देखा जाए तो इस मूवी का जो लाइक बजट है एंड बॉक्स ऑफिस है वो भी कवर अप नहीं हो पाया, इसलिए जो मूवी है राइट नाउ फ्लॉप कंडीशन में है। एंड जो इसके प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं लाइक द पिक्चर वन कंपनी, ओमरा फिल्म, TF1 फिल्म स्टूडियो एंड स्टूडियो बेबल्सबर्ग, तो ये जो गाइस है ये सारे लोग भी बोल रहे हैं मतलब ये जो मूवी है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है लाइक जो एक्सपेक्टेड था इन लोगों का। मतलब इन लोगों को लग रहा था ये जो मूवी आराम से $50 million तक जाएगा, लेकिन ये जो मूवी है उतना अभी तक नहीं अर्न कर पाया। एंड गाइस अब रही मेरी बात, मतलब मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में, तो मैं गाइस ऑब्वियसली लियाम नेसोन जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं आप जानते ही हो, तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि ये जो मूवी है जाके देखो। अगर आपने 2015 में जो आई स्पेनिश फिल्म उसको नहीं देखा है तो 100% मैं एक बार रिकमेंड करूंगा, ये जो मूवी है बहुत अच्छा मूवी है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। थिएटर में तो नहीं देख सकते हो जानती हो तुम लोग, तो मेक श्योर करो OTT चैनल पर देखते हो, या फिर भाई तरीके बहुत सारे हैं मूवी देखने का, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, अदरवाइज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी देता कैसे देखना है किसी मूवी को। तो यार आप लोग जाके YouTube पे सर्च कर लेना कैसे मूवी को देखना है, एंड उसके बाद इस मूवी को जरूर देखो। एंड एक बार जरूर आके कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये जो मूवी है आप लोगों को कितना अच्छा लगा है। अदरवाइज मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड नोटिफिकेशन दबा लेते हो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मैं बताते रह पाऊँ। तो गाइस हाँ, बाय बोलने से पहले एक और बात बता दे रहा हूँ, मतलब मूवी के अंदर कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लियाम नेसोन जो है वो मैट टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं, नॉम डीमिन विनी जो है वो एंजेला ब्रिकमैन का रोल प्ले कर रही हैं, लिली एस्पेल जो है एमिला टर्नर का रोल प्ले कर रही हैं, एंड जो जैक चैम्पियन है वो जैक टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग को और 3-4 क्रू एंड मेंबर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली गाइस पता है क्रू का जो है उनका इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं आ पाता है, आर्टिकल में वैसा नहीं होता है, तो हम लोग करते हैं जो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस मेन स्क्रीन प्ले कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। लाइक मैथ्यू मॉडेन जो है वो एंड्रियस मुलर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड उसी के साथ लास्ट में आपको एम्बेथ डेविड्स जो हैं हेथर टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब गाइस आप लोग जा सकते हो एंड मेक श्योर कर लो मूवी को जाके देखते हो, उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हो, एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी और अगले कमाल की वीडियो के अंदर कर लेते हो ताकि आप लोगों को लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर से अपडेटेड रह पाओ। तो मेक श्योर करो सब्सक्राइब करते हो एंड उसके बाद जाके कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा आप कमेंट कर देना, एंड मेक श्योर कर लो गाइस बेल आइकन भी दबा लेते हो ताकि जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। रेट्रीब्यूशन जो मूवी है इसको टोटल IMDb पे 10 out of 5.3 का रेटिंग मिला है। तो हाँ गाइस पता है मैं अपने पुराने वीडियो में मैं बोलता हूँ 5.3 रेटिंग मतलब हाँ उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लाइक 5.9 के ऊपर जो रेटिंग होता है वो बहुत अच्छा मूवी बताता है। लेकिन ये जो मूवी है गाइस एक्शन थ्रिलर मूवी है समझ जाओ, तो ये जो मूवी है वन टाइम वॉच मूवी है एंड आपको 100% एक बार देखना चाहिए। लाइक देख लो रेटिंग भी दिया है इसे टोटल 15,000 यूज़र ने, 10 out of 5.3 का रेटिंग दिए हैं 15,000 यूज़र, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेटिंग है। उसी में 140 का हम लोगों को यूज़र रिव्यू देखने को मिलता है, 84 का क्रिटिक्स रिव्यू, एंड उसी के साथ मेटा स्कोर इस मूवी का है 43 का। तो गाइस हाँ मेटा स्कोर भी थोड़ा कम लग रहा है ना, क्योंकि 78 का होता है, 100 का मेटा स्कोर होता है, तो वो जो मूवी है बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो मूवी है फेमस उतना नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इस मूवी को देखा जा रहा है, क्योंकि इसका जो थ्रिलर है ना इस मूवी के अंदर थ्रिल बहुत ज़बरदस्त है भाई, बैंक के रिलेटेड जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। ये जो मूवी है कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ Amazon प्राइम वीडियो अगर आपके पास है तो उस पर आप इस मूवी को देख सकते हो, एंड Google Play मूवीज़ एंड TV पे आप 150 rupees पे करके देख सकते हो, रेंटल ऑप्शन उधर Google Play एंड मूवीज़ पे आपको पता ही होगा। एंड उसी के साथ अगर Apple के भाई कुछ फ़ैन हो Apple TV लिखे हो तो आप 150 rupees दे के Apple TV पे भी दे सकते हो, अदरवाइज आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप उधर से भी इस मूवी को देख सकते हो। लेकिन मेन आते हैं हम लोग रोटन टमेटोज़ के रेटिंग पे, जहाँ पे रेट्रीब्यूशन मूवी को 28% का टमेटो मीटर्स मिला है, एंड उसी के साथ ऑडियंस स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, लाइक 66% का इस मूवी का ऑडियंस स्कोर है। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ क्योंकि इसमें अपना हॉनेस्ट रिव्यू भी बताऊँगा मूवी मेरे को कैसा लगा, एंड आप लोग उसके बाद देख लेना आपको देखना है कि नहीं देखना है। इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर मैं बता देता हूँ, एंड उसी के साथ मैं आपको अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊँगा कि आपको वन टाइम देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। रेट्रीब्यूशन जो है 2023 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं निमरॉड एंटल एंड इसके राइटर हैं क्रिस सेलमैन पोर, एंड इस मूवी के अंदर हम लोग को स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे लियाम नेसोन एंड नोमन डेम्यूजी, लिली एस्पेल, जैक चैम्पियन, एम्बेथ डेविड्स एंड मैथ्यू मॉडेन। तो इतने सारे हम लोगों को इस मूवी के अंदर कैस्ट एंड क्रू में देखने को मिलते हैं। एंड आपको पता होगा ये जो मूवी है रीमेक मूवी है, तो मेक श्योर करो ये मत भूलना 2015 के अंदर एक स्पेनिश मूवी आई थी जिसका नाम था डेस्कॉन कीडा,
ये जो मूवी है इसी मूवी का ये रीमेक वर्जन है। तो हाँ, अगर आपने स्पेनिश 2015 का मूवी देख रखा है तो ऑब्वियसली गाइस आप इस मूवी को एस्केप कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा देखना ही मत, क्योंकि आपने पहले एक स्टोरी को देख रखा है तो उसी स्टोरी पे भी जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। 2015 में रिलीज हुआ था, याद रखना, डेस्कॉन्ग किडो करके मूवी था। एंड अब गाइस हम लोग बढ़ते हैं इस मूवी के मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस क्या है, लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मूवी का बजट जाना, वो था अराउंड 20 मिलियन, और देखा जाए हॉलीवुड के हिसाब से तो भाई बहुत कम बजट है। मतलब हॉलीवुड का एक मीडियम एवरेज बजट हम लोग रखा जाए तो भी स्टार्ट होता है 100 मिलियन US डॉलर या फिर 68 मिलियन US डॉलर, लेकिन इस मूवी का बजट ही बहुत कम है, देख रहे हो ना, 20 मिलियन US डॉलर है। तो मतलब हाँ, जस्टिफाई करता है। स्टोरी के अंदर भी हमें उतना खास कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो स्टोरी है एक तरह से पहले से ही मूवी में दूसरे मूवी हमें देखने को मिलता है, इसलिए लोग क्या कहें, इस स्टोरी को कॉपी किए, तो इसलिए जो बजट है वो बहुत कम लगा इस मूवी के अंदर। उसी के बाद बॉक्स ऑफिस गाइस बहुत डिस्करेज आपको देखने को मिलेगा, लाइक जो बॉक्स ऑफिस है मूवी जो है अभी तक आई थिंक फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी को मिला है 18.7 मिलियन US डॉलर, जो कि बताता है ऑब्वियसली ये जो मूवी है फ्लॉप जा रहा है, क्योंकि अभी तक अपने बजट को भी ये जो मूवी है कवर नहीं कर पाया है। एंड इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 5.3 IMDb होल्ड कर रहा है, तो मूवी जो है उतना मतलब अच्छा नहीं है, या फिर आप लोग स्किप कर सकते हो इस मूवी को। देख लो, रिलीज डेट इस मूवी का था August 23, 2023 फ्रांस के अंदर, August 25, 2023 यूनाइटेड स्टेट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। ये जो मूवी है आप लोगों को सारे लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा, ड्यूअल चैनल लैंग्वेज मूवी सपोर्ट करता है, लाइक अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो आपको मल्टीपल ऑडियो देखने को मिलेगा, एंड गाइस सेम गोज़ टू अदर लैंग्वेज, आपको लाइक अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको उस कंट्री में जो मूवी है डब्ड देखने को मिलेगा, तो आप अपने लैंग्वेज के अंदर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। एंड उसी के साथ कौन से कंट्री के अंदर जो मूवी है रिकॉर्ड हुआ है, तो देख लो, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो मूवी है पूरा शूट आउट हुआ है। 90 मिनट्स का टोटल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा मूवी के अंदर, जहां पे अभी देखा जाए इंटरनेशनल को प्रोडक्शन फ्रांस में हुआ था, जर्मनी, स्पेन के अंदर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। रेट्रीब्यूशन का रिलीज डेट मैंने बता दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा गाइस वही ना, मतलब होता है ना, क्रिटिक्स इसे क्रिटिज़म फेस करना पड़ रहा है इस मूवी को, जैसे कि IMDb भी बहुत कम है इस मूवी का। उसी के साथ इस मूवी का लाइक देखा जाए तो इस मूवी का जो लाइक बजट है एंड बॉक्स ऑफिस है वो भी कवर अप नहीं हो पाया, इसलिए जो मूवी है राइट नाउ फ्लॉप कंडीशन में है। एंड जो इसके प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं लाइक द पिक्चर वन कंपनी, ओमरा फिल्म, TF1 फिल्म स्टूडियो एंड स्टूडियो बेबल्सबर्ग, तो ये जो गाइस है ये सारे लोग भी बोल रहे हैं मतलब ये जो मूवी है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है लाइक जो एक्सपेक्टेड था इन लोगों का। मतलब इन लोगों को लग रहा था मूवी आराम से 50 मिलियन US डॉलर तक जाएगा, लेकिन ये जो मूवी है उतना अभी तक नहीं अर्न कर पाया। एंड गाइस अब रही मेरी बात, मतलब मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में, तो मैं गाइस ऑब्वियसली लियाम नेसोन जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं आप जानते ही हो, तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि ये जो मूवी है जाके देखो। अगर आपने 2015 में जो आई स्पेनिश फिल्म उसको नहीं देखा है तो 100% मैं एक बार रिकमेंड करूंगा, ये जो मूवी है बहुत अच्छा मूवी है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। थिएटर में तो नहीं देख सकते हो, जानती हो तुम लोग, तो मेक श्योर करो OTT चैनल पर देखते हो, या फिर भाई तरीके बहुत सारे हैं मूवी देखने का, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, अदरवाइज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी देता कैसे देखना है किसी मूवी को। तो यार आप लोग जाके YouTube पे सर्च कर लेना कैसे मूवी को देखना है, एंड उसके बाद इस मूवी को जरूर देखो, एंड एक बार जरूर आके कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये जो मूवी है आप लोगों को कितना अच्छा लगा है। अदरवाइज मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड नोटिफिकेशन दबा लेते हो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मैं बताते रह पाऊँ। तो गाइस हाँ, बाय बोलने से पहले एक और बात बता दे रहा हूँ, मतलब मूवी के अंदर कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लियाम नेसोन जो है वो मैट टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं, नॉम डीमिन विनी जो है वो एंजेला ब्रिकमैन का रोल प्ले कर रही हैं, लिली एस्पेल जो है एमिला टर्नर का रोल प्ले कर रही हैं, एंड जो जैक चैम्पियन है वो जैक टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग को और 3-4 क्र्यू एंड मेंबर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली गाइस पता है क्र्यू का जो है उनका इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं आ पाता है, आर्टिकल में वैसा नहीं होता है, तो हम लोग करते हैं जो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस मेन स्क्रीन पे प्ले कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। लाइक मैथी मॉडर्न जो है वो एंड्रियस मुलर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड उसी के साथ लास्ट में आपको एम्बेथ डेविड्स जो हैं हेथर टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब गाइस आप लोग जा सकते हो एंड मेक श्योर लो मूवी को जाके देखते हो, उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हो, एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी और अगले कमाल के वीडियो के अंदर कर लेते हो, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर से अपडेटेड रह पाओ। तो मेक श्योर करो सब्सक्राइब करते हो, एंड उसके बाद जाके कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा आप कमेंट कर देना, एंड मेक श्योर लो गाइस बेल आइकन भी दबा लेते हो, ताकि जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। रेट्रीब्यूशन जो मूवी है इसको टोटल IMDb पे 10 आउट ऑफ 5.3 का रेटिंग मिला
रेटेड है। तो हाँ गाइस पता है, मैं अपने पुराने वीडियो में मैं बोलता हूँ 5.3 रेटिंग मतलब हाँ उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। लाइक 5.9 के ऊपर जो रेटिंग होता है वो बहुत अच्छा मूवी बताता है। लेकिन ये जो मूवी है गाइस एक्शन थ्रिलर मूवी है, समझ जाओ। तो ये जो मूवी है वन टाइम वॉच मूवी है एंड आपको 100% एक बार देखना चाहिए। लाइक देख लो, रेटिंग भी दिया है इसे टोटल 15,000 यूज़र ने, 10 out of 5.3 का रेटिंग दिए हैं 15,000 यूज़र, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेटिंग है। उसी में 140 का हम लोगों को यूज़र रिव्यू देखने को मिलता है, 84 का क्रिटिक्स रिव्यू एंड उसी के साथ मेटा स्कोर इस मूवी का है 43 का। तो गाइस हाँ, मेटा स्कोर भी थोड़ा कम लग रहा है ना, क्योंकि 78 का होता है, 100 का मेटा स्कोर होता है। तो वो जो मूवी है बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो मूवी है फेमस उतना नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस मूवी को देखा जा रहा है, क्योंकि इसका जो थ्रिलर है ना, इस मूवी के अंदर थ्रिल बहुत ज़बरदस्त है भाई। बैंक के रिलेटेड जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। ये जो मूवी है कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, Amazon Prime Video अगर आपके पास है तो उस पर आप इस मूवी को देख सकते हो, एंड Google Play Movies एंड TV पे आप 150 रुपीज़ पे करके देख सकते हो। रेंटल ऑप्शन उधर गूगल प्ले एंड मूवीज़ पे आपको पता ही होगा। एंड उसी के साथ अगर एप्पल के भाई कुछ फ़ैन हो, एप्पल टीवी लिखे हो, तो आप 150 रुपीज़ दे के एप्पल टीवी पे भी दे सकते हो। अदरवाइज आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप उधर से भी इस मूवी को देख सकते हो। लेकिन मेन आते हैं हम लोग रोटन टमेटोज के रेटिंग पे, जहाँ पे रिट्रीब्यूशन मूवी को 28% का टमेटो मीटर्स मिला है एंड उसी के साथ ऑडियंस स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। लाइक 66% का इस मूवी का ऑडियंस स्कोर है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, क्योंकि इसमें अपना हॉनेस्ट रिव्यू भी बताऊँगा मूवी मेरे को कैसा लगा, एंड आप लोग उसके बाद देख लेना आपको देखना है कि नहीं देखना है। इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर मैं बता देता हूँ एंड उसी के साथ मैं आपको अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊँगा कि आपको वन टाइम देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। रिट्रीब्यूशन जो है 2023 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं निमरॉड एंटल एंड इसके राइटर हैं क्रिस सेलमैन पोर। एंड इस मूवी के अंदर हम लोग को स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे लियाम नेनसोन एंड नोमन डेम्यूजी, लिली एस्पेल, जैक चैम्पियन, एम्बेथ डेविड्स एंड मैथ्यू मोडिन। तो इतने सारे हम लोगों को इस मूवी के अंदर कैस्ट एंड क्रू में देखने को मिलते हैं। एंड आपको पता होगा ये जो मूवी है रीमेक मूवी है, तो मेक श्योर करो ये मत भूलना। 2015 के अंदर एक स्पेनिश मूवी आई थी जिसका नाम था डेस्कॉन कीडा, ये जो मूवी है इसी मूवी का ये रीमेक वर्जन है। तो हाँ, अगर आपने स्पेनिश 2015 का मूवी देख रखा है तो ऑब्वियसली गाइस आप इस मूवी को एस्केप कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा देखना ही मत, क्योंकि आपने पहले एक स्टोरी को देख रखा है तो उसी स्टोरी पे भी जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। 2015 में रिलीज हुआ था, याद रखना, डेस्कॉन कीडो करके मूवी था। एंड अब गाइस हम लोग बढ़ते हैं इस मूवी के मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस क्या है, लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मूवी का बजट जाना, वो था अराउंड 20 मिलियन, और देखा जाए हॉलीवुड के हिसाब से तो भाई बहुत कम बजट है। मतलब हॉलीवुड का एक मीडियम एवरेज बजट हम लोग रखा जाए तो भी स्टार्ट होता है 100 मिलियन US डॉलर या फिर 78-68 मिलियन US डॉलर, लेकिन इस मूवी का बजट ही बहुत कम है, देख रहे हो ना, 20 मिलियन US डॉलर है। तो मतलब हाँ, जस्टिफाई करता है। स्टोरी के अंदर भी हमें उतना खास कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो स्टोरी है एक तरह से पहले से ही मूवी में दूसरे मूवी हमें देखने को मिलता है, इसलिए लोग क्या कहें, स्टोरी को कॉपी किए हैं, तो इसलिए जो बजट है वो बहुत कम लगा इस मूवी के अंदर। उसी के बाद बॉक्स ऑफिस गाइस बहुत डिस्करेज आपको देखने को मिलेगा। लाइक जो बॉक्स ऑफिस है, मूवी जो है अभी तक आई थिंक फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी को मिला है 18.7 मिलियन US डॉलर, जो कि बताता है ऑब्वियसली ये जो मूवी है फ्लॉप जा रहा है, क्योंकि अभी तक अपने बजट को भी ये जो मूवी है कवर नहीं कर पाया है। एंड इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 5.3 IMDb होल्ड कर रहा है, तो मूवी जो है उतना मतलब अच्छा नहीं है, या फिर आप लोग स्किप कर सकते हो इस मूवी को। देख लो, रिलीज डेट इस मूवी का था August 23, 2023 फ्रांस के अंदर, August 25, 2023 यूनाइटेड स्टेट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। ये जो मूवी है आप लोगों को सारे लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा, ड्यूअल चैनल लैंग्वेज मूवी सपोर्ट करता है। लाइक अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो आपको मल्टीपल ऑडियो देखने को मिलेगा, एंड गाइस सेम गोज टू अदर लैंग्वेज, आपको लाइक अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको उस कंट्री में जो मूवी है डब्ड देखने को मिलेगा, तो आप अपने लैंग्वेज के अंदर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। एंड उसी के साथ कौन से कंट्री के अंदर जो मूवी है रिकॉर्ड हुआ है, तो देख लो, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो मूवी है पूरा शूट आउट हुआ है। 90 मिनट्स का टोटल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा मूवी के अंदर, जहां पे अभी देखा जाए इंटरनेशनल को प्रोडक्शन फ्रांस में हुआ था, जर्मनी, स्पेन के अंदर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। रिट्रीब्यूशन का रिलीज डेट मैंने बता दिया,
लेकिन सबसे ज़्यादा गाइस वही ना, मतलब होता है ना, क्रिटिक्स इसे क्रिटिज्म फेस करना पड़ रहा है इस मूवी को, जैसे कि IMDB भी बहुत कम है इस मूवी का। उसी के साथ इस मूवी का लाइक देखा जाए तो इस मूवी का जो लाइक बजट है एंड बॉक्स ऑफिस है वो भी कवर अप नहीं हो पाया, इसलिए जो मूवी है राइट नाउ फ्लॉप कंडीशन में है। एंड जो इसके प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं लाइक द पिक्चर वन कंपनी, ओमरा फिल्म, TF1 फिल्म स्टूडियो एंड स्टूडियो बेबल्सबर्ग, तो ये जो गाइस है ये सारे लोग भी बोल रहे हैं मतलब ये जो मूवी है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है लाइक जो एक्सपेक्टेड था इन लोगों का। मतलब इन लोगों को लग रहा था ये जो मूवी आराम से $50 million तक जाएगा, लेकिन ये जो मूवी है उतना अभी तक नहीं अर्न कर पाया। एंड गाइस अब रही मेरी बात, मतलब मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में, तो मैं गाइस ऑब्वियसली लियाम नेसोन जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं आप जानते ही हो, तो मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि ये जो मूवी है जाके देखो। अगर आपने 2015 में जो आई स्पेनिश फिल्म उसको नहीं देखा है तो 100% मैं एक बार रिकमेंड करूँगा, ये जो मूवी है बहुत अच्छा मूवी है, आपको एक बार ज़रूर जाके देखना चाहिए। थिएटर में तो नहीं देख सकते हो जानती हो तुम लोग, तो मेक श्योर करो OTT चैनल पर देखते हो, या फिर भाई तरीके बहुत सारे हैं मूवी देखने का, वो मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ, अदरवाइज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी देता कैसे देखना है किसी मूवी को। तो यार आप लोग जाके YouTube पे सर्च कर लेना कैसे मूवी को देखना है, एंड उसके बाद इस मूवी को जरूर देखो। एंड एक बार जरूर आके कमेंट सेक्शन में बता देना कि जो मूवी है आप लोगों को कितना अच्छा लगा है। अदरवाइज मैं एक शौक लो चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड नोटिफिकेशन दबा लेते हो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मैं बताते रह पाऊँ। तो गाइस हाँ, बाय बोलने से पहले एक और बात बता दे रहा हूँ, मतलब मूवी के अंदर कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लियाम नेसोन जो है वो मैट टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं, नॉम डीमिन विनी जो है वो एंजेला ब्रिकमैन का रोल प्ले कर रही हैं, लिली एस्पेल जो है एमिला टर्नर का रोल प्ले कर रही हैं, एंड जो जैक चैम्पियन है वो जैक टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग को और 3-4 क्रू एंड मेंबर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली गाइस पता है क्रू का जो है उनका इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं आ पाता है, आर्टिकल में वैसा नहीं होता है, तो हम लोग करते हैं जो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस मेन स्क्रीन पर प्ले कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। लाइक मैथ्यू मॉडेन जो है वो एंड्रियस मुलर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड उसी के साथ लास्ट में आपको एम्बेथ डेविड्स जो हैं हेथर टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब गाइस आप लोग जा सकते हो एंड मेक श्योर कर लो मूवी को जाके देखते हो, उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हो, एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी और अगले कमाल के वीडियो के अंदर कर लेते हो ताकि आप लोगों को लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर से अपडेटेड रह पाओ। तो मेक श्योर करो सब्सक्राइब करते हो एंड उसके बाद जाके कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा आप कमेंट कर देना, एंड मेक श्योर कर लो गाइस बेल आइकन भी दबा लेते हो ताकि जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। रेट्रीब्यूशन जो मूवी है इसको टोटल IMDB पे 10 out of 5.3 का रेटिंग मिला है। तो हाँ गाइस पता है मैं अपने पुराने वीडियो में मैं बोलता हूँ 5.3 रेटिंग मतलब हाँ उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लाइक 5.9 के ऊपर जो रेटिंग होता है वो बहुत अच्छा मूवी बताता है। लेकिन ये जो मूवी है गाइस एक्शन थ्रिलर मूवी है, समझ जाओ, तो ये जो मूवी है वन टाइम वॉच मूवी है एंड आपको 100% एक बार देखना चाहिए। लाइक देख लो रेटिंग भी दिया है इसे टोटल 15,000 यूज़र ने, 10 out of 5.3 का रेटिंग दिए हैं 15,000 यूज़र, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेटिंग है। उसी में 140 का हम लोगों को यूज़र रिव्यू देखने को मिलता है, 84 का क्रिटिक्स रिव्यू, एंड उसी के साथ मेटा स्कोर इस मूवी का है 43 का। तो गाइस हाँ मेटा स्कोर भी थोड़ा कम लग रहा है ना, क्योंकि 78 का होता है, 100 का मेटा स्कोर होता है, तो वो जो मूवी है बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो मूवी है फेमस उतना नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इस मूवी को देखा जा रहा है, क्योंकि इसका जो थ्रिलर है ना इस मूवी के अंदर थ्रिल बहुत ज़बरदस्त है भाई, बैंक के रिलेटेड जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। ये जो मूवी है कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ Amazon प्राइम वीडियो अगर आपके पास है तो उस पर आप इस मूवी को देख सकते हो, एंड Google Play मूवीज़ एंड TV पे आप 150 rupees पे करके देख सकते हो, रेंटल ऑप्शन उधर Google Play एंड मूवीज़ पे आपको पता ही होगा। एंड उसी के साथ अगर Apple के भाई कुछ फ़ैन हो, Apple TV लिखे हो, तो आप 150 rupees दे के Apple TV पे भी दे सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप उधर से भी इस मूवी को देख सकते हो। लेकिन मेन आते हैं हम लोग रोटन टमाटोज़ के रेटिंग पे, जहाँ पे रेट्रीब्यूशन मूवी को 28% का टमाटो मीटर्स मिला है, एंड उसी के साथ ऑडियंस स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, लाइक 66% का इस मूवी का ऑडियंस स्कोर है। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ क्योंकि इसमें अपना हॉनेस्ट रिव्यू बताऊँगा मूवी मेरे को कैसा लगा, एंड आप लोग उसके बाद देख लेना आपको देखना है कि नहीं देखना है। इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर मैं बता देता हूँ, एंड उसी के साथ मैं आपको अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊँगा कि आपको वन टाइम देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। रेट्रीब्यूशन जो है 2023 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं निमरॉड एंटल एंड इसके राइटर हैं क्रिस सेलमैन पोर, एंड इस मूवी के अंदर हम लोग को स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे लियाम नेसोन एंड नोमन डेम्यूजी, लिली एस्पेल, जैक चैम्पियन, एम्बेथ डेविड्स एंड मैथ्यू मॉडेन। तो इतने सारे हम लोगों को इस मूवी के अंदर कैस्ट एंड क्रू में देखने को मिलते हैं। एंड आपको पता होगा ये जो मूवी है रीमेक मूवी है, तो मेक श्योर करो ये मत भूलना 2015 के अंदर एक स्पेनिश मूवी आई थी जिसका नाम था डेस्कॉन कीडा,
ये जो मूवी है इसी मूवी का ये रीमेक वर्जन है। तो हाँ, अगर आपने स्पेनिश 2015 का मूवी देख रखा है तो ऑब्वियसली गाइस आप इस मूवी को एस्केप कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा देखना ही मत, क्योंकि आपने पहले एक स्टोरी को देख रखा है तो उसी स्टोरी पे भी जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। 2015 में रिलीज हुआ था, याद रखना, डेस्कॉन्ग किडो करके मूवी था। एंड अब गाइस हम लोग बढ़ते हैं इस मूवी के मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस क्या है, लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मूवी का बजट जाना, वो था अराउंड 20 मिलियन, और देखा जाए हॉलीवुड के हिसाब से तो भाई बहुत कम बजट है। मतलब हॉलीवुड का एक मीडियम एवरेज बजट हम लोग रखा जाए तो भी स्टार्ट होता है 100 मिलियन US डॉलर या फिर 78-68 मिलियन US डॉलर, लेकिन इस मूवी का बजट ही बहुत कम है, देख रहे हो ना, 20 मिलियन US डॉलर है। तो मतलब हाँ, जस्टिफाई करता है। स्टोरी के अंदर भी हमें उतना खास कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो स्टोरी है एक तरह से पहले से ही मूवी में दूसरे मूवी हमें देखने को मिलता है, इसलिए लोग क्या कहें, इस स्टोरी को कॉपी किए हैं, तो इसलिए जो बजट है वो बहुत कम लगा इस मूवी के अंदर। उसी के बाद बॉक्स ऑफिस गाइस बहुत डिस्करेज आपको देखने को मिलेगा, लाइक जो बॉक्स ऑफिस है मूवी जो अभी तक आई थिंक फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी को मिला है 18.7 मिलियन US डॉलर, जो कि बताता है ऑब्वियसली ये जो मूवी है फ्लॉप जा रहा है, क्योंकि अभी तक अपने बजट को भी ये जो मूवी है कवर नहीं कर पाया है। एंड इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 5.3 IMDb होल्ड कर रहा है, तो मूवी जो है उतना मतलब अच्छा नहीं है, या फिर आप लोग स्किप कर सकते हो इस मूवी को। देख लो, रिलीज डेट इस मूवी का था August 23, 2023 फ्रांस के अंदर, August 25, 2023 यूनाइटेड स्टेट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। ये जो मूवी है आप लोगों को सारे लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा, ड्यूअल चैनल लैंग्वेज मूवी सपोर्ट करता है, लाइक अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो आपको मल्टीपल ऑडियो देखने को मिलेगा। एंड गाइस सेम गोज़ टू अदर लैंग्वेज, आपको लाइक अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको उस कंट्री में जो मूवी है डब्ड देखने को मिलेगा, तो आप अपने लैंग्वेज के अंदर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। एंड उसी के साथ कौन से कंट्री के अंदर ये जो मूवी है रिकॉर्ड हुआ है, तो देख लो, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो मूवी है पूरा शूट आउट हुआ है। 90 मिनट्स का टोटल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा मूवी के अंदर, जहाँ पे अभी देखा जाए इंटरनेशनल को प्रोडक्शन फ्रांस में हुआ था, जर्मनी, स्पेन के अंदर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। रेट्रीब्यूशन का रिलीज डेट मैंने बता दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा गाइस वही ना, मतलब होता है ना, क्रिटिक्स से क्रिटिज्म फेस करना पड़ रहा है इस मूवी को, जैसे कि IMDb भी बहुत कम है इस मूवी का। उसी के साथ इस मूवी का लाइक देखा जाए तो इस मूवी का जो लाइक बजट है एंड बॉक्स ऑफिस है वो भी कवर अप नहीं हो पाया, इसलिए जो मूवी है राइट नाउ फ्लॉप कंडीशन में है। एंड जो इसके प्रोडक्शन कंपनियाँ लाइक द पिक्चर वन कंपनी, ओमरा फिल्म, TF1 फिल्म स्टूडियो एंड स्टूडियो बेबल्सबर्ग, तो ये जो गाइस है ये सारे लोग भी बोल रहे हैं मतलब ये जो मूवी है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, लाइक जो एक्सपेक्टेड था इन लोगों का, मतलब इन लोगों को लग रहा था मूवी आराम से 50 मिलियन यूएस डॉलर तक जाएगा, लेकिन ये जो मूवी है उतना अभी तक नहीं अर्न कर पाया। एंड गाइस अब रही मेरी बात, मतलब मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में, तो मैं गाइस ऑब्वियसली लियाम नेसोन जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप जानते ही हो, तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि ये जो मूवी है जाके देखो। अगर आपने 2015 में जो आई स्पेनिश फिल्म उसको नहीं देखा है तो 100% मैं एक बार रिकमेंड करूंगा, ये जो मूवी है बहुत अच्छा मूवी है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। थिएटर में तो नहीं देख सकते हो, जानती हो तुम लोग, तो मेक श्योर करो OTT चैनल पर देख दो, या फिर भाई तरीके बहुत सारे हैं मूवी देखने का, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, अदरवाइज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी देता कैसे देखना है किसी मूवी को। तो यार आप लोग जाके YouTube पे सर्च कर लेना कैसे मूवी को देखना है, एंड उसके बाद इस मूवी को जरूर देखो। एंड एक बार जरूर आके कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये जो मूवी है आप लोगों को कितना अच्छा लगा है। अदरवाइज मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड नोटिफिकेशन दबा लेते हो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मैं बताते रह पाऊँ। तो गाइस हाँ, बाय बोलने से पहले एक और बात बता दे रहा हूँ, मतलब मूवी के अंदर कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लियाम नेसोन जो है वो मैट टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं, नॉम डीमिन विनी जो है वो एंजेला ब्रिकमैन का रोल प्ले कर रही हैं, लिली एस्पेल जो है एमिला टर्नर का रोल प्ले कर रही हैं, एंड जो जैक चैम्पियन है वो जैक टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग को और 3-4 क्र्यू एंड मेंबर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली गाइस पता है क्र्यू का जो है उनका इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं आ पाता है, आर्टिकल में वैसा नहीं होता है, तो हम लोग करते हैं जो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस मेन स्क्रीन प्ले कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। लाइक मैथ्यू मॉडर्न जो है वो एंड्रियस मुलर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड उसी के साथ लास्ट में आपको एम्बेथ डेविड्स जो हैं हेथर टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब गाइस आप लोग जा सकते हो एंड मेक श्योर करो मूवी को जाके देखते हो, उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हो, एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी और अगले कमाल की वीडियो के अंदर कर लेते हो, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर से अपडेटेड रह पाओ। तो मेक श्योर करो सब्सक्राइब करते हो, एंड उसके बाद जाके कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा आप कमेंट कर देना, एंड मेक श्योर करो गाइस बेल आइकन भी दबा लेते हो, ताकि जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। रेट्रीब्यूशन जो मूवी है इसको टोटल IMDb पे 10 आउट ऑफ 5.3 का रेटिंग मिला है,
है। तो हाँ गाइस, पता है मैं अपने पुराने वीडियो में मैं बोलता हूँ 5.3 रेटिंग मतलब हाँ उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। लाइक 5.9 के ऊपर जो रेटिंग होता है वो बहुत अच्छा मूवी बताता है। लेकिन ये जो मूवी है गाइस एक्शन थ्रिलर मूवी है, समझ जाओ। तो ये जो मूवी है वन टाइम वॉच मूवी है एंड आपको 100% एक बार देखना चाहिए। लाइक देख लो, रेटिंग भी दिया है इसे टोटल 15,000 यूज़र ने, 10 out of 5.3 का रेटिंग दिए हैं 15,000 यूज़र, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेटिंग है। उसी में 140 का हम लोगों को यूज़र रिव्यू देखने को मिलता है, 84 का क्रिटिक्स रिव्यू एंड उसी के साथ मेटा स्कोर इस मूवी का है 43 का। तो गाइस हाँ, मेटा स्कोर भी थोड़ा कम लग रहा है ना, क्योंकि 78 का होता है, 100 का मेटा स्कोर होता है। तो वो जो मूवी है बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो मूवी है फेमस उतना नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस मूवी को देखा जा रहा है, क्योंकि इसका जो थ्रिलर है ना इस मूवी के अंदर, थ्रिल बहुत ज़बरदस्त है भाई। बैंक के रिलेटेड जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। ये जो मूवी है कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, अमेजॉन प्राइम वीडियो अगर आपके पास है तो उस पर आप इस मूवी को देख सकते हो, एंड गूगल प्ले मूवीज़ एंड टीवी पे आप 150 रुपीज़ पे करके देख सकते हो। रेंटल ऑप्शन उधर गूगल प्ले एंड मूवीज़ पे आपको पता ही होगा। एंड उसी के साथ अगर एप्पल के भाई कुछ फ़ैन हो, एप्पल टीवी लिखे हो, तो आप 150 रुपीज़ दे के एप्पल टीवी पे भी दे सकते हो। अदरवाइज आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप उधर से भी इस मूवी को देख सकते हो। लेकिन मेन आते हैं हम लोग रोटन टमेटोज़ के रेटिंग पे, जहाँ पे रिट्रीब्यूशन मूवी को 28% का टमेटो मीटर्स मिला है एंड उसी के साथ ऑडियंस स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। लाइक 66% का इस मूवी का ऑडियंस स्कोर है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, क्योंकि इसमें अपना हॉनेस्ट रिव्यू भी बताऊँगा मूवी मेरे को कैसा लगा एंड आप लोग उसके बाद देख लेना आपको देखना है कि नहीं देखना है। इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर मैं बता देता हूँ एंड उसी के साथ मैं आपको अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊँगा कि आपको वन टाइम देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। रिट्रीब्यूशन जो है 2023 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं निमरॉड एंटल एंड इसके राइटर हैं क्रिस सेलमैन पोर एंड इस मूवी के अंदर हम लोग को स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे लियाम नेनसोन एंड नोमन डेम्यूजी, लिली एस्पेल, जैक चैम्पियन, एम्बेथ डेविड्स एंड मैथ्यू मोडिन। तो इतने सारे हम लोगों को इस मूवी के अंदर कैस्ट एंड क्रू में देखने को मिलते हैं एंड आपको पता होगा ये जो मूवी है रीमेक मूवी है, तो मेक श्योर करो ये मत भूलना। 2015 के अंदर एक स्पेनिश मूवी आई थी जिसका नाम था डेस्कॉन कीडा, ये जो मूवी है इसी मूवी का ये रीमेक वर्जन है। तो हाँ, अगर आपने स्पेनिश 2015 का मूवी देख रखा है तो ऑब्वियसली गाइस आप इस मूवी को एस्केप कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा देखना ही मत, क्योंकि आपने पहले एक स्टोरी को देख रखा है तो उसी स्टोरी पे भी जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। 2015 में रिलीज हुआ था, याद रखना, डेस्कॉन कीडो करके मूवी था। एंड अब गाइस हम लोग बढ़ते हैं इस मूवी के मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस क्या है। लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मूवी का बजट जाना वो था अराउंड 20 मिलियन, और देखा जाए हॉलीवुड के हिसाब से तो भाई बहुत कम बजट है। मतलब हॉलीवुड का एक मीडियम एवरेज बजट हम लोग रखा जाए तो भी स्टार्ट होता है 100 मिलियन US डॉलर या फिर 68 मिलियन US डॉलर, लेकिन इस मूवी का बजट ही बहुत कम है, देख रहे हो ना, 20 मिलियन US डॉलर है। तो मतलब हाँ, जस्टिफाई करता है। स्टोरी के अंदर भी हमें उतना खास कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो स्टोरी है एक तरह से पहले से ही मूवी में दूसरे मूवी हमें देखने को मिलता है, इसलिए लोग क्या कहें, स्टोरी को कॉपी किए हैं, तो इसलिए जो बजट है वो बहुत कम लगा इस मूवी के अंदर। उसी के बाद बॉक्स ऑफिस गाइस बहुत डिस्करेज आपको देखने को मिलेगा। लाइक जो बॉक्स ऑफिस है, मूवी जो है अभी तक आई थिंक फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी को मिला है 18.7 मिलियन US डॉलर, जो कि बताता है ऑब्वियसली ये जो मूवी है फ्लॉप जा रहा है, क्योंकि अभी तक अपने बजट को भी ये जो मूवी है कवर नहीं कर पाया है। एंड इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 5.3 IMDb होल्ड कर रहा है, तो मूवी जो है उतना मतलब अच्छा नहीं है, या फिर आप लोग स्किप कर सकते हो इस मूवी को। देख लो, रिलीज डेट इस मूवी का था August 23, 2023 फ्रांस के अंदर, August 25, 2023 यूनाइटेड स्टेट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। ये जो मूवी है आप लोगों को सारे लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा, डुअल चैनल लैंग्वेज मूवी सपोर्ट करता है। लाइक अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो आपको मल्टीपल ऑडियो देखने को मिलेगा, एंड गाइस सेम गोज टू अदर लैंग्वेज। आपको लाइक अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको उस कंट्री में जो मूवी है डब्ड देखने को मिलेगा, तो आप अपने लैंग्वेज के अंदर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। एंड उसी के साथ कौन से कंट्री के अंदर जो मूवी है रिकॉर्ड हुआ है, तो देख लो, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो मूवी है पूरा शूट आउट हुआ है। 90 मिनट्स का टोटल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा मूवी के अंदर, जहाँ पे अभी देखा जाए इंटरनेशनल को प्रोडक्शन फ्रांस में हुआ था, जर्मनी, स्पेन के अंदर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। रिट्रीब्यूशन का रिलीज डेट मैंने बता दिया,
लेकिन सबसे ज़्यादा गाइस वही ना, मतलब होता है ना, क्रिटिक्स से क्रिटिज्म फेस करना पड़ रहा है इस मूवी को, जैसे कि IMDB भी बहुत कम है इस मूवी का। उसी के साथ इस मूवी का लाइक देखा जाए तो इस मूवी का जो लाइक बजट है एंड बॉक्स ऑफिस है वो भी कवर अप नहीं हो पाया, इसलिए जो मूवी है राइट नाउ फ्लॉप कंडीशन में है। एंड जो इसके प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं लाइक द पिक्चर वन कंपनी, ओमरा फिल्म, TF1 फिल्म स्टूडियो एंड स्टूडियो बेबल्सबर्ग, तो ये जो गाइस है ये सारे लोग भी बोल रहे हैं मतलब ये जो मूवी है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है लाइक जो एक्सपेक्टेड था इन लोगों का। मतलब इन लोगों को लग रहा था ये जो मूवी आराम से $50 मिलियन तक जाएगा, लेकिन ये जो मूवी है उतना अभी तक नहीं अर्न कर पाया। एंड गाइस अब रही मेरी बात, मतलब मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में, तो मैं गाइस ऑब्वियसली लियाम नेसोन जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं आप जानते ही हो, तो मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि ये जो मूवी है जाके देखो। अगर आपने 2015 में जो आई स्पेनिश फिल्म उसको नहीं देखा है तो 100% मैं एक बार रिकमेंड करूँगा, ये जो मूवी है बहुत अच्छा मूवी है, आपको एक बार ज़रूर जाके देखना चाहिए। थिएटर में तो नहीं देख सकते हो जानते हो तुम लोग, तो मेक श्योर करो OTT चैनल पर देख दो, या फिर भाई तरीके बहुत सारे हैं मूवी देखने का, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, अदरवाइज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी देता कैसे देखना है किसी मूवी को। तो यार आप लोग जाके YouTube पे सर्च कर लेना कैसे मूवी को देखना है, एंड उसके बाद इस मूवी को जरूर देखो। एंड एक बार जरूर आके कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये जो मूवी है आप लोगों को कितना अच्छा लगा है। अदरवाइज मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड नोटिफिकेशन दबा लेते हो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मैं बताते रह पाऊँ। तो गाइस हाँ, बाय बोलने से पहले एक और बात बता दे रहा हूँ, मतलब मूवी के अंदर कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लियाम नेसोन जो हैं वो मैट टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं, नॉम डीमिन विनी जो हैं वो एंजेला ब्रिकमैन का रोल प्ले कर रही हैं, लिली एस्पेल जो हैं एमिला टर्नर का रोल प्ले कर रही हैं, एंड जो जैक चैम्पियन है वो जैक टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोगों को और 3-4 क्रू एंड मेंबर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली गाइस पता है क्रू का जो है उनका इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास नहीं आ पाता है, आर्टिकल में वैसा नहीं होता है, तो हम लोग करते हैं जो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस मेन स्क्रीन पे प्ले कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। लाइक मैथ्यू मॉडेन जो है वो एंड्रियस मुलर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड उसी के साथ लास्ट में आपको एम्बेथ डेविड्स जो हैं हेथर टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब गाइस आप लोग जा सकते हो एंड मेक श्योर कर लो मूवी को जाके देखते हो, उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हो, एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी और अगले कमाल के वीडियो के अंदर कर लेते हो ताकि आप लोगों को लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर से अपडेटेड रह पाओ। तो मेक श्योर करो सब्सक्राइब करते हो एंड उसके बाद जाके कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा आप कमेंट कर देना, एंड मेक श्योर कर लो गाइस बेल आइकन भी दबा लेते हो ताकि जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। रेट्रीब्यूशन जो मूवी है इसको टोटल IMDB पे 10 out of 5.3 का रेटिंग मिला है। तो हाँ गाइस पता है मैं अपने पुराने वीडियो में मैं बोलता हूँ 5.3 रेटिंग मतलब हाँ उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लाइक 5.9 के ऊपर जो रेटिंग होता है वो बहुत अच्छा मूवी बताता है। लेकिन ये जो मूवी है गाइस एक्शन थ्रिलर मूवी है, समझ जाओ, तो ये जो मूवी है वन टाइम वॉच मूवी है एंड आपको 100% एक बार देखना चाहिए। लाइक देख लो रेटिंग भी दिया है इसे टोटल 15,000 यूज़र ने, 10 out of 5.3 का रेटिंग दिए हैं 15,000 यूज़र, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेटिंग है। उसी में 140 का हम लोगों को यूज़र रिव्यू देखने को मिलता है, 84 का क्रिटिक्स रिव्यू, एंड उसी के साथ मेटा स्कोर इस मूवी का है 43 का। तो गाइस हाँ मेटा स्कोर भी थोड़ा कम लग रहा है ना, क्योंकि 78 का होता है, 100 का मेटा स्कोर होता है, तो वो जो मूवी है बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो मूवी है फेमस उतना नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इस मूवी को देखा जा रहा है, क्योंकि इसका जो थ्रिलर है ना इस मूवी के अंदर थ्रिल बहुत ज़बरदस्त है भाई, बैंक के रिलेटेड जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। ये जो मूवी है कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ Amazon प्राइम वीडियो अगर आपके पास है तो उस पर आप इस मूवी को देख सकते हो, एंड Google Play मूवीज़ एंड TV पे आप 150 rupees पे करके देख सकते हो, रेंटल ऑप्शन उधर Google Play एंड मूवीज़ पे आपको पता ही होगा। एंड उसी के साथ अगर Apple के भाई कुछ फ़ैन हो, Apple TV लिखे हो, तो आप 150 rupees दे के Apple TV पे भी दे सकते हो, अदरवाइज आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप उधर से भी इस मूवी को देख सकते हो। लेकिन मेन आते हैं हम लोग रोटन टमाटोज के रेटिंग पे, जहाँ पे रेट्रीब्यूशन मूवी को 28% का टमाटो मीटर्स मिला है, एंड उसी के साथ ऑडियंस स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, लाइक 66% का इस मूवी का ऑडियंस स्कोर है। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ क्योंकि इसमें अपना हॉनेस्ट रिव्यू भी बताऊँगा मूवी मेरे को कैसा लगा, एंड आप लोग उसके बाद देख लेना आपको देखना है कि नहीं देखना है। इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर मैं बता देता हूँ, एंड उसी के साथ मैं आपको अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊँगा कि आपको वन टाइम देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। रेट्रीब्यूशन जो है 2023 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं निमरॉड एंटल एंड इसके राइटर हैं क्रिस सेलमैन पोर, एंड इस मूवी के अंदर हम लोग को स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे लियाम नेसोन एंड नोमन डेम्यूजी, लिली एस्पेल, जैक चैम्पियन, एम्बेथ डेविड्स एंड मैथ्यू मॉडेन, तो इतने सारे हम लोगों को इस मूवी के अंदर कैस्ट एंड क्रू में देखने को मिलते हैं। एंड आपको पता होगा ये जो मूवी है रीमेक मूवी है, तो मेक श्योर करो ये मत भूलना, 2015 के अंदर एक स्पेनिश मूवी आई थी जिसका नाम था डेस्कॉन कीडा,
ये जो मूवी है इसी मूवी का ये रीमेक वर्जन है। तो हाँ, अगर आपने स्पेनिश 2015 का मूवी देख रखा है तो ऑब्वियसली गाइस आप इस मूवी को एस्केप कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा देखना ही मत, क्योंकि आपने पहले एक स्टोरी को देख रखा है तो उसी स्टोरी पे भी जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। 2015 में रिलीज हुआ था, याद रखना, डेस्कॉन्ग कीडो करके मूवी था। एंड अब गाइस हम लोग बढ़ते हैं इस मूवी के मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस क्या है, लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मूवी का बजट जाना, वो था अराउंड 20 मिलियन, और देखा जाए हॉलीवुड के हिसाब से तो भाई बहुत कम बजट है। मतलब हॉलीवुड का एक मीडियम एवरेज बजट हम लोग रखा जाए तो भी स्टार्ट होता है 100 मिलियन यूएस डॉलर या फिर 68 मिलियन यूएस डॉलर, लेकिन इस मूवी का बजट ही बहुत कम है, देख रहे हो ना, 20 मिलियन यूएस डॉलर है। तो मतलब हाँ, जस्टिफाई करता है। स्टोरी के अंदर भी हमें उतना खास कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो स्टोरी है एक तरह से पहले से ही मूवी में दूसरे मूवी हमें देखने को मिलता है, इसलिए लोग क्या कहें, स्टोरी को कॉपी किए हैं, तो इसलिए जो बजट है वो बहुत कम लगा इस मूवी के अंदर। उसी के बाद बॉक्स ऑफिस गाइस बहुत डिस्करेज आपको देखने को मिलेगा, लाइक जो बॉक्स ऑफिस है मूवी जो है अभी तक आई थिंक फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी को मिला है 18.7 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि बताता है ऑब्वियसली ये जो मूवी है फ्लॉप जा रहा है, क्योंकि अभी तक अपने बजट को भी ये जो मूवी है कवर नहीं कर पाया है। एंड इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 5.3 IMDB होल्ड कर रहा है, तो मूवी जो है उतना मतलब अच्छा नहीं है, या फिर आप लोग स्किप कर सकते हो इस मूवी को। देख लो, रिलीज डेट इस मूवी का था August 23, 2023 फ्रांस के अंदर, August 25, 2023 यूनाइटेड स्टेट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। ये जो मूवी है आप लोगों को सारे लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा, ड्यूअल चैनल लैंग्वेज मूवी सपोर्ट करता है, लाइक अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो आपको मल्टीपल ऑडियो देखने को मिलेगा, एंड गाइस सेम गोज़ टू अदर लैंग्वेज, आपको लाइक अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको उस कंट्री में जो मूवी है डब्ड देखने को मिलेगा, तो आप अपने लैंग्वेज के अंदर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। एंड उसी के साथ कौन से कंट्री के अंदर जो मूवी रिकॉर्ड हुआ है, तो देख लो, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो मूवी है पूरा शूट आउट हुआ है। 90 मिनट्स का टोटल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा मूवी के अंदर, जहाँ पे अभी देखा जाए इंटरनेशनल को प्रोडक्शन फ्रांस में हुआ था, जर्मनी, स्पेन के अंदर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। रेट्रीब्यूशन का रिलीज डेट मैंने बता दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा गाइस वही ना, मतलब होता है ना, क्रिटिक्स से क्रिटिज्म फेस करना पड़ रहा है इस मूवी को, जैसे कि IMDB भी बहुत कम है इस मूवी का। उसी के साथ इस मूवी का लाइक देखा जाए तो इस मूवी का जो लाइक बजट है एंड बॉक्स ऑफिस है वो भी कवर अप नहीं हो पाया, इसलिए जो मूवी है राइट नाउ फ्लॉप कंडीशन में है। एंड जो इसके प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं लाइक द पिक्चर वन कंपनी, ओमरा फिल्म, TF1 फिल्म स्टूडियो एंड स्टूडियो बेबल्सबर्ग, तो ये जो गाइस है ये सारे लोग भी बोल रहे हैं मतलब ये जो मूवी है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, लाइक जो एक्सपेक्टेड था इन लोगों का, मतलब इन लोगों को लग रहा था मूवी आराम से 50 मिलियन यूएस डॉलर तक जाएगा, लेकिन ये जो मूवी है उतना अभी तक नहीं अर्न कर पाया। एंड गाइस अब रही मेरी बात, मतलब मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में, तो मैं गाइस ऑब्वियसली लियाम नेसोन जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप जानते ही हो, तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि ये जो मूवी है जाके देखो। अगर आपने 2015 में जो आई स्पेनिश फिल्म उसको नहीं देखा है तो 100% मैं एक बार रिकमेंड करूंगा, ये जो मूवी है बहुत अच्छा मूवी है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। थिएटर में तो नहीं देख सकते हो, जानती हो तुम लोग, तो मेक श्योर करो OTT चैनल पर देखते हो, या फिर भाई तरीके बहुत सारे हैं मूवी देखने का, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, अदरवाइज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी देता कैसे देखना है किसी मूवी को। तो यार आप लोग जाके YouTube पे सर्च कर लेना कैसे मूवी को देखना है, एंड उसके बाद इस मूवी को जरूर देखो, एंड एक बार जरूर आके कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये जो मूवी है आप लोगों को कितना अच्छा लगा है। अदरवाइज मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड नोटिफिकेशन दबा लेते हो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मैं बताते रह पाऊँ। तो गाइस हाँ, बाय बोलने से पहले एक और बात बता दे रहा हूँ, मतलब मूवी के अंदर कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लियाम नेसोन जो है वो मैट टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं, नॉम डीमिन विनी जो है वो एंजेला ब्रिकमैन का रोल प्ले कर रही हैं, लिली एस्पेल जो है एमिला टर्नर का रोल प्ले कर रही हैं, एंड जो जैक चैम्पियन है वो जैक टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग को और 3-4 क्रू एंड मेंबर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली गाइस पता है क्रू का जो है उनका इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं आ पाता है, आर्टिकल में वैसा नहीं होता है, तो हम लोग करते हैं जो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस मेन स्क्रीन प्ले कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। लाइक मैथ्यू मॉडर्न जो है वो एंड्रियस मुलर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड उसी के साथ लास्ट में आपको एम्बेथ डेविड्स जो हैं हेथर टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब गाइस आप लोग जा सकते हो एंड मेक श्योर कर लो मूवी को जाके देखते हो, उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हो, एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी और अगले कमाल की वीडियो के अंदर लेते हो, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर से अपडेटेड रह पाओ। तो मेक श्योर करो सब्सक्राइब करते हो, एंड उसके बाद जाके कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा आप कमेंट कर देना, एंड मेक श्योर कर लो गाइस बेल आइकन भी दबा लेते हो, ताकि जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। रेट्रीब्यूशन जो मूवी है इसको टोटल IMDB पे 10 आउट ऑफ 5.3 का रेटिंग मिला है, तो हाँ गाइस पता है
मैं अपने पुराने वीडियो में मैं बोलता हूँ 5.3 रेटिंग मतलब हाँ उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। लाइक 5.9 के ऊपर जो रेटिंग होता है वो बहुत अच्छा मूवी बताता है। लेकिन ये जो मूवी है गाइस एक्शन थ्रिलर मूवी है, समझ जाओ। तो ये जो मूवी है वन टाइम वॉच मूवी है एंड आपको 100% एक बार देखना चाहिए। लाइक देख लो, रेटिंग भी दिया है इसे टोटल 15,000 यूज़र ने, 10 out of 5.3 का रेटिंग दिए हैं 15,000 यूज़र, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेटिंग है। उसी में 140 का हम लोगों को यूज़र रिव्यू देखने को मिलता है, 84 का क्रिटिक्स रिव्यू एंड उसी के साथ मेटा स्कोर इस मूवी का है 43 का। तो गाइस हाँ, मेटा स्कोर भी थोड़ा कम लग रहा है ना, क्योंकि 78 का होता है, 100 का मेटा स्कोर होता है। तो वो जो मूवी है बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो मूवी है फेमस उतना नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस मूवी को देखा जा रहा है, क्योंकि इसका जो थ्रिलर है ना, इस मूवी के अंदर थ्रिल बहुत ज़बरदस्त है भाई। बैंक के रिलेटेड जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। ये जो मूवी है कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, Amazon प्राइम वीडियो अगर आपके पास है तो उस पर आप इस मूवी को देख सकते हो, एंड Google Play मूवीज़ एंड TV पे आप 150 rupees पे करके देख सकते हो। रेंटल ऑप्शन उधर Google Play एंड मूवीज़ पे आपको पता ही होगा। एंड उसी के साथ अगर Apple के भाई कुछ फ़ैन हो, Apple TV लिखे हो, तो आप 150 rupees दे के Apple TV पे भी दे सकते हो। अदरवाइज आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप उधर से भी इस मूवी को देख सकते हो। लेकिन मेन आते हैं हम लोग रोटन टमेटोज़ के रेटिंग पे, जहाँ पे रिट्रीब्यूशन मूवी को 28% का टमेटो मीटर्स मिला है एंड उसी के साथ ऑडियंस स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। लाइक 66% का इस मूवी का ऑडियंस स्कोर है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, क्योंकि इसमें अपना हॉनेस्ट रिव्यू भी बताऊँगा मूवी मेरे को कैसा लगा एंड आप लोग उसके बाद देख लेना आपको देखना है कि नहीं देखना है। इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर मैं बता देता हूँ एंड उसी के साथ मैं आपको अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊँगा कि आपको वन टाइम देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। रिट्रीब्यूशन जो है 2023 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं निमरॉड एंटल एंड इसके राइटर हैं क्रिस सेलमैन पोर। एंड इस मूवी के अंदर हम लोगों को स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे लियाम नेनसोन एंड नोमन डेम्यूजी, लिली एस्पेल, जैक चैम्पियन, एम्बेथ डेविड्स एंड मैथ्यू मोडिन। तो इतने सारे हम लोगों को इस मूवी के अंदर कैस्ट एंड क्रू में देखने को मिलते हैं। एंड आपको पता होगा ये जो मूवी है रीमेक मूवी है, तो मेक श्योर करो ये मत भूलना, 2015 के अंदर एक स्पेनिश मूवी आई थी जिसका नाम था डेस्कॉन कीडा। ये जो मूवी है इसी मूवी का ये रीमेक वर्जन है। तो हाँ, अगर आपने स्पेनिश 2015 का मूवी देख रखा है तो ऑब्वियसली गाइस आप इस मूवी को एस्केप कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा देखना ही मत, क्योंकि आपने पहले एक स्टोरी को देख रखा है तो उसी स्टोरी पे भी जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। 2015 में रिलीज़ हुआ था, याद रखना, डेस्कॉन कीडो करके मूवी था। एंड अब गाइस हम लोग बढ़ते हैं इस मूवी के मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस क्या है। लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मूवी का बजट जाना, वो था अराउंड 20 million और देखा जाए हॉलीवुड के हिसाब से तो भाई बहुत कम बजट है। मतलब हॉलीवुड का एक मीडियम एवरेज बजट हम लोग रखा जाए तो भी स्टार्ट होता है 100 million US या फिर 78-68 million US, लेकिन इस मूवी का बजट ही बहुत कम है, देख रहे हो ना, 20 million US है। तो मतलब हाँ, जस्टिफाई करता है। स्टोरी के अंदर भी हमें उतना खास कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो स्टोरी है एक तरह से पहले से ही मूवी में दूसरे मूवी हमें देखने को मिलता है, इसलिए लोग क्या कहें स्टोरी को कॉपी किए, तो इसलिए जो बजट है वो बहुत कम लगा इस मूवी के अंदर। उसी के बाद बॉक्स ऑफिस गाइस बहुत डिस्करेज आपको देखने को मिलेगा। लाइक जो बॉक्स ऑफिस है मूवी जो है अभी तक आई थिंक फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी को मिला है 18.7 million US, जो कि बताता है ऑब्वियसली ये जो मूवी है फ्लॉप जा रहा है, क्योंकि अभी तक अपने बजट को भी ये जो मूवी है कवर नहीं कर पाया है। एंड इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 5.3 IMDb होल्ड कर रहा है, तो मूवी जो है उतना मतलब अच्छा नहीं है, या फिर आप लोग स्किप कर सकते हो इस मूवी को। देख लो, रिलीज डेट इस मूवी का था August 23, 2023 फ्रांस के अंदर, August 25, 2023 यूनाइटेड स्टेट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। ये जो मूवी है आप लोगों को सारे लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा, ड्यूअल चैनल लैंग्वेज मूवी सपोर्ट करता है। लाइक अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो आपको मल्टीपल ऑडियो देखने को मिलेगा, एंड गाइस सेम गोज़ टू अदर लैंग्वेज। आपको लाइक अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको उस कंट्री में जो मूवी है डब्ड देखने को मिलेगा, तो आप अपने लैंग्वेज के अंदर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। एंड उसी के साथ कौन से कंट्री के अंदर जो मूवी है रिकॉर्ड हुआ है, तो देख लो, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो मूवी है पूरा शूट आउट हुआ है। 90 मिनट्स का टोटल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा मूवी के अंदर, जहाँ पे अभी देखा जाए इंटरनेशनल को प्रोडक्शन फ्रांस में हुआ था, जर्मनी, स्पेन के अंदर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। रिट्रीब्यूशन का रिलीज डेट मैंने बता दिया,
लेकिन सबसे ज़्यादा गाइस वही ना, मतलब होता है ना क्रिटिक्स, इसे क्रिटिज़म फेस करना पड़ रहा है इस मूवी को, जैसे कि IMDB भी बहुत कम है इस मूवी का। उसी के साथ इस मूवी का लाइक देखा जाए तो इस मूवी का जो लाइक बजट है एंड बॉक्स ऑफिस है वो भी कवर अप नहीं हो पाया, इसलिए जो मूवी है राइट नाउ फ्लॉप कंडीशन में है। एंड जो इसके प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं लाइक द पिक्चर वन कंपनी, ओमरा फिल्म, TF1 फिल्म स्टूडियो एंड स्टूडियो बेबल्सबर्ग, तो ये जो गाइस है ये सारे लोग भी बोल रहे हैं मतलब ये जो मूवी है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है लाइक जो एक्सपेक्टेड था इन लोगों का। मतलब इन लोगों को लग रहा था जो मूवी आराम से $50 million तक जाएगा, लेकिन ये जो मूवी है उतना अभी तक नहीं अर्न कर पाया। एंड गाइस अब रही मेरी बात, मतलब मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में, तो मैं गाइस ऑब्वियसली लियाम नेसोन जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं आप जानते ही हो, तो मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि ये जो मूवी है जाके देखो। अगर आपने 2015 में जो आई स्पेनिश फिल्म उसको नहीं देखा है तो 100% मैं एक बार रिकमेंड करूँगा, ये जो मूवी है बहुत अच्छा मूवी है, आपको एक बार ज़रूर जाके देखना चाहिए। थिएटर में तो नहीं देख सकते हो जानती हो तुम लोग, तो मेक श्योर करो OTT चैनल पर देख दो, या फिर भाई तरीके बहुत सारे हैं मूवी देखने का, वो मैं आप लोग को बता नहीं सकता हूँ, अदरवाइज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी देता कैसे देखना है किसी मूवी को। तो यार आप लोग जाके YouTube पे सर्च कर लेना कैसे मूवी को देखना है, एंड उसके बाद इस मूवी को जरूर देखो। एंड एक बार जरूर आके कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये जो मूवी है आप लोगों को कितना अच्छा लगा है। अदरवाइज मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड नोटिफिकेशन दबा लेते हो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मैं बताते रह पाऊँ। तो गाइस हाँ, बाय बोलने से पहले एक और बात बता दे रहा हूँ, मतलब मूवी के अंदर कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लियाम नेसोन जो है वो मैट टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं, नॉम डीमिन विनी जो है वो एंजेला ब्रिकमैन का रोल प्ले कर रही हैं, लिली एस्पेल जो है एमिला टर्नर का रोल प्ले कर रही हैं, एंड जो जैक चैम्पियन है वो जैक टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग को और 3-4 क्र्यू एंड मेंबर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली गाइस पता है क्र्यू का जो है उनका इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं आ पाता है, आर्टिकल में वैसा नहीं होता है, तो हम लोग करते हैं जो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस मेन स्क्रीन पे प्ले कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। लाइक मैथी मॉडर्न जो है वो एंड्रियस मुलर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड उसी के साथ लास्ट में आपको एम्बेथ डेविड्स जो हैं हेथर टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब गाइस आप लोग जा सकते हो एंड मेक श्योर लो मूवी को जाके देखते हो, उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हो, एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी और अगले कमाल के वीडियो के अंदर कर लेते हो ताकि आप लोगों को लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर से अपडेटेड रह पाओ। तो मेक श्योर करो सब्सक्राइब करते हो एंड उसके बाद जाके कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा आप कमेंट कर देना, एंड मेक श्योर लो गाइस बेल आइकन भी दबा लेते हो ताकि जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। रेट्रीब्यूशन जो मूवी है इसको टोटल IMDB पे 10 out of 5.3 का रेटिंग मिला है। तो हाँ गाइस पता है मैं अपने पुराने वीडियो में मैं बोलता हूँ 5.3 रेटिंग मतलब हाँ उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लाइक 5.9 के ऊपर जो रेटिंग होता है वो बहुत अच्छा मूवी बताता है। लेकिन ये जो मूवी है गाइस एक्शन थ्रिलर मूवी है, समझ जाओ, तो ये जो मूवी है वन टाइम वॉच मूवी है एंड आपको 100% एक बार देखना चाहिए। लाइक देख लो रेटिंग भी दिया है इसे टोटल 15,000 यूज़र ने, 10 out of 5.3 का रेटिंग दिए हैं 15,000 यूज़र, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेटिंग है। उसी में 140 का हम लोगों को यूज़र रिव्यू देखने को मिलता है, 84 का क्रिटिक्स रिव्यू, एंड उसी के साथ मेटा स्कोर इस मूवी का है 43 का। तो गाइस हाँ मेटा स्कोर भी थोड़ा कम लग रहा है ना, क्योंकि 78 का होता है, 100 का मेटा स्कोर होता है, तो वो जो मूवी है बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो मूवी है फेमस उतना नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इस मूवी को देखा जा रहा है, क्योंकि इसका जो थ्रिलर है ना इस मूवी के अंदर थ्रिल बहुत ज़बरदस्त है भाई, बैंक के रिलेटेड जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। ये जो मूवी है कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ Amazon Prime Video अगर आपके पास है तो उस पर आप इस मूवी को देख सकते हो, एंड Google Play Movies एंड TV पे आप 150 rupees पे करके देख सकते हो, रेंटल ऑप्शन उधर गूगल प्ले एंड मूवीज़ पे आपको पता ही होगा। एंड उसी के साथ अगर एप्पल के भाई कुछ फ़ैन हो, एप्पल TV लिखे हो, तो आप 150 rupees दे के एप्पल TV पे भी दे सकते हो, अदरवाइज आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप उधर से भी इस मूवी को देख सकते हो। लेकिन मेन आते हैं हम लोग रोटन टमाटोज के रेटिंग पे, जहाँ पे रेट्रीब्यूशन मूवी को 28% का टमाटो मीटर्स मिला है, एंड उसी के साथ ऑडियंस स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, लाइक 66% का इस मूवी का ऑडियंस स्कोर है, एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ क्योंकि इसमें अपना हॉनेस्ट रिव्यू भी बताऊँगा मूवी मेरे को कैसा लगा, एंड आप लोग उसके बाद देख लेना आपको देखना है कि नहीं देखना है। इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर मैं बता देता हूँ, एंड उसी के साथ मैं आपको अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊँगा कि आपको वन टाइम देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। रेट्रीब्यूशन जो है 2023 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं निमरॉड एंटल एंड इसके राइटर हैं क्रिस सेलमैन पोर, एंड इस मूवी के अंदर हम लोग को स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे लियाम नेसोन एंड नोमन डेम्यूजी, लिली एस्पेल, जैक चैम्पियन, एम्बेथ डेविड्स एंड मैथ्यू मॉडर्न, तो इतने सारे हम लोगों को इस मूवी के अंदर कैस्ट एंड क्रू में देखने को मिलते हैं। एंड आपको पता होगा ये जो मूवी है रीमेक मूवी है, तो मेक श्योर करो ये मत भूलना 2015 के अंदर एक स्पेनिश मूवी आई थी जिसका नाम था डेस्कॉन कीडा,
ये जो मूवी है इसी मूवी का ये रीमेक वर्जन है। तो हाँ, अगर आपने स्पेनिश 2015 का मूवी देख रखा है तो ऑब्वियसली गाइस आप इस मूवी को एस्केप कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा देखना ही मत, क्योंकि आपने पहले एक स्टोरी को देख रखा है तो उसी स्टोरी पे भी जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। 2015 में रिलीज हुआ था, याद रखना, डेस्कॉन्किडो करके मूवी था। एंड अब गाइस हम लोग बढ़ते हैं इस मूवी के मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस क्या है, लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मूवी का बजट जाना, वो था अराउंड 20 मिलियन, और देखा जाए हॉलीवुड के हिसाब से तो भाई बहुत कम बजट है। मतलब हॉलीवुड का एक मीडियम एवरेज बजट हम लोग रखा जाए तो भी स्टार्ट होता है 100 मिलियन यूएस डॉलर या फिर 68 मिलियन यूएस डॉलर, लेकिन इस मूवी का बजट ही बहुत कम है, देख रहे हो ना, 20 मिलियन यूएस डॉलर है। तो मतलब हाँ, जस्टिफाई करता है। स्टोरी के अंदर भी हमें उतना खास कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो स्टोरी है एक तरह से पहले से ही मूवी में दूसरे मूवी हमें देखने को मिलता है, इसलिए लोग क्या कहें, स्टोरी को कॉपी किए हैं, तो इसलिए जो बजट है वो बहुत कम लगा इस मूवी के अंदर। उसी के बाद बॉक्स ऑफिस गाइस बहुत डिस्करेज आपको देखने को मिलेगा, लाइक जो बॉक्स ऑफिस है मूवी जो है अभी तक आई थिंक फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी को मिला है 18.7 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि बताता है ऑब्वियसली ये जो मूवी है फ्लॉप जा रहा है, क्योंकि अभी तक अपने बजट को भी ये जो मूवी है कवर नहीं कर पाया है। एंड इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 5.3 आईएमडीबी होल्ड कर रहा है, तो मूवी जो है उतना मतलब अच्छा नहीं है, या फिर आप लोग स्किप कर सकते हो इस मूवी को। देख लो, रिलीज डेट इस मूवी का था अगस्त 23, 2023 फ्रांस के अंदर, अगस्त 25, 2023 यूनाइटेड स्टेट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। ये जो मूवी है आप लोगों को सारे लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा, ड्यूअल चैनल लैंग्वेज मूवी सपोर्ट करता है, लाइक अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो आपको मल्टीपल ऑडियो देखने को मिलेगा, एंड गाइस सेम गोज टू अदर लैंग्वेज, आपको लाइक अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको उस कंट्री में जो मूवी है डब्ड देखने को मिलेगा, तो आप अपने लैंग्वेज के अंदर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। एंड उसी के साथ कौन से कंट्री के अंदर जो मूवी है रिकॉर्ड हुआ है, तो देख लो, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो मूवी है पूरा शूट आउट हुआ है। 90 मिनट्स का टोटल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा मूवी के अंदर, जहां पे अभी देखा जाए इंटरनेशनल को प्रोडक्शन फ्रांस में हुआ था, जर्मनी, स्पेन के अंदर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। रेट्रीब्यूशन का रिलीज डेट मैंने बता दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा गाइस वही ना, मतलब होता है ना, क्रिटिक्स से क्रिटिज्म फेस करना पड़ रहा है इस मूवी को, जैसे कि आईएमडीबी भी बहुत कम है इस मूवी का। उसी के साथ इस मूवी का लाइक देखा जाए तो इस मूवी का जो लाइक बजट है एंड बॉक्स ऑफिस है वो भी कवर अप नहीं हो पाया, इसलिए जो मूवी है राइट नाउ फ्लॉप कंडीशन में है। एंड जो इसके प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं लाइक द पिक्चर वन कंपनी, ओमरा फिल्म, TF1 फिल्म स्टूडियो एंड स्टूडियो बेबल्सबर्ग, तो ये जो गाइस है ये सारे लोग भी बोल रहे हैं मतलब ये जो मूवी है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, लाइक जो एक्सपेक्टेड था इन लोगों का, मतलब इन लोगों को लग रहा था मूवी आराम से 50 मिलियन यूएस डॉलर तक जाएगा, लेकिन ये जो मूवी है उतना अभी तक नहीं अर्न कर पाया। एंड गाइस अब रही मेरी बात, मतलब मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में, तो मैं गाइस ऑब्वियसली लियाम नेसोन जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप जानते ही हो, तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि ये जो मूवी है जाके देखो। अगर आपने 2015 में जो आई स्पेनिश फिल्म उसको नहीं देखा है तो 100% मैं एक बार रिकमेंड करूंगा, ये जो मूवी है बहुत अच्छा मूवी है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। थिएटर में तो नहीं देख सकते हो, जानती हो तुम लोग, तो मेक श्योर करो OTT चैनल पर देखते हो, या फिर भाई तरीके बहुत सारे हैं मूवी देखने का, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, अदरवाइज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी देता कैसे देखना है किसी मूवी को। तो यार आप लोग जाके YouTube पे सर्च कर लेना कैसे मूवी को देखना है, एंड उसके बाद इस मूवी को जरूर देखो, एंड एक बार जरूर आके कमेंट सेक्शन में बता देना कि जो मूवी है आप लोगों को कितना अच्छा लगा है। अदरवाइज मैं एक शौक लो चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड नोटिफिकेशन दबा लेते हो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मैं बताते रह पाऊँ। तो गाइस हाँ, बाय बोलने से पहले एक और बात बता दे रहा हूँ, मतलब मूवी के अंदर कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लियाम नेसोन जो है वो मैट टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं, नॉम डीमिन विनी जो है वो एंजेला ब्रिकमैन का रोल प्ले कर रही हैं, लिली एस्पेल जो है एमिला टर्नर का रोल प्ले कर रही हैं, एंड जो जैक चैम्पियन है वो जैक टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग को और 3-4 क्र्यू एंड मेंबर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली गाइस पता है क्र्यू का जो है उनका इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं आ पाता है, आर्टिकल में वैसा नहीं होता है, तो हम लोग करते हैं जो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस मेन स्क्रीन पे प्ले कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। लाइक मैथ्यू मॉडेन जो है वो एंड्रियस मुलर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड उसी के साथ लास्ट में आपको एम्बेथ डेविड्स जो हैं हेथर टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब गाइस आप लोग जा सकते हो एंड मेक श्योर कर लो मूवी को जाके देखते हो, उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हो, एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी और अगले कमाल की वीडियो के अंदर कर लेते हो ताकि आप लोगों को लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर से अपडेटेड रह पाओ। तो मेक श्योर करो सब्सक्राइब करते हो एंड उसके बाद जाके कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा आप कमेंट कर देना, एंड मेक श्योर कर लो गाइस बेल आइकन भी दबा लेते हो ताकि जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। रेट्रीब्यूशन जो मूवी है इसको टोटल IMDb पे 10 आउट ऑफ 5.3 का रेटिंग मिला है, तो हाँ गाइस पता है
मैं अपने पुराने वीडियो में मैं बोलता हूँ 5.3 रेटिंग मतलब हाँ उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। लाइक 5.9 के ऊपर जो रेटिंग होता है वो बहुत अच्छा मूवी बताता है। लेकिन ये जो मूवी है गाइस एक्शन थ्रिलर मूवी है, समझ जाओ। तो ये जो मूवी है वन टाइम वॉच मूवी है एंड आपको 100% एक बार देखना चाहिए। लाइक देख लो, रेटिंग भी दिया है इसे टोटल 15,000 यूज़र ने, 10 out of 5.3 का रेटिंग दिए हैं 15,000 यूज़र, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेटिंग है। उसी में 140 का हम लोगों को यूज़र रिव्यू देखने को मिलता है, 84 का क्रिटिक्स रिव्यू एंड उसी के साथ मेटा स्कोर इस मूवी का है 43 का। तो गाइस हाँ, मेटा स्कोर भी थोड़ा कम लग रहा है ना, क्योंकि 78 का होता है, 100 का मेटा स्कोर होता है, तो वो जो मूवी है बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो मूवी है फेमस उतना नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस मूवी को देखा जा रहा है, क्योंकि इसका जो थ्रिलर है ना इस मूवी के अंदर, थ्रिल बहुत ज़बरदस्त है भाई। बैंक के रिलेटेड जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। ये जो मूवी है कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, Amazon प्राइम वीडियो अगर आपके पास है तो उस पर आप इस मूवी को देख सकते हो, एंड Google Play मूवीज़ एंड TV पे आप 150 rupees पे करके देख सकते हो। रेंटल ऑप्शन उधर Google Play एंड मूवीज़ पे आपको पता ही होगा। एंड उसी के साथ अगर Apple के भाई कुछ फ़ैन हो, Apple TV लिखे हो, तो आप 150 rupees दे के Apple TV पे भी दे सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप उधर से भी इस मूवी को देख सकते हो। लेकिन मेन आते हैं हम लोग रोटन टमेटोज़ के रेटिंग पे, जहाँ पे रिट्रीब्यूशन मूवी को 28% का टमेटो मीटर्स मिला है एंड उसी के साथ ऑडियंस स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। लाइक 66% का इस मूवी का ऑडियंस स्कोर है एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, क्योंकि इसमें अपना हॉनेस्ट रिव्यू भी बताऊँगा मूवी मेरे को कैसा लगा एंड आप लोग उसके बाद देख लेना आपको देखना है कि नहीं देखना है। इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर मैं बता देता हूँ एंड उसी के साथ मैं आपको अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊँगा कि आपको वन टाइम देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। रिट्रीब्यूशन जो है 2023 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं निमरॉड एंटल एंड इसके राइटर हैं क्रिस सेलमैन पोर। एंड इस मूवी के अंदर हम लोग को स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे लियाम नेनसोन एंड नोमन डेम्यूजी, लिली एस्पेल, जैक चैम्पियन, एम्बेथ डेविड्स एंड मैथ्यू मोडिन। तो इतने सारे हम लोगों को इस मूवी के अंदर कैस्ट एंड क्रू में देखने को मिलते हैं। एंड आपको पता होगा ये जो मूवी है रीमेक मूवी है, तो मेक श्योर करो ये मत भूलना, 2015 के अंदर एक स्पेनिश मूवी आई थी जिसका नाम था डेस्कॉन कीडा। ये जो मूवी है इसी मूवी का ये रीमेक वर्जन है। तो हाँ, अगर आपने स्पेनिश 2015 का मूवी देख रखा है तो ऑब्वियसली गाइस आप इस मूवी को एस्केप कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा देखना ही मत, क्योंकि आपने पहले एक स्टोरी को देख रखा है तो उसी स्टोरी पे भी जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। 2015 में रिलीज हुआ था, याद रखना, डेस्कॉन कीडा करके मूवी था। एंड अब गाइस हम लोग बढ़ते हैं इस मूवी के मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस क्या है। लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मूवी का बजट जाना, वो था अराउंड 20 million, और देखा जाए हॉलीवुड के हिसाब से तो भाई बहुत कम बजट है। मतलब हॉलीवुड का एक मीडियम एवरेज बजट हम लोग रखा जाए तो भी स्टार्ट होता है 100 million US या फिर 78-68 million US, लेकिन इस मूवी का बजट ही बहुत कम है, देख रहे हो ना, 20 million US है। तो मतलब हाँ, जस्टिफाई करता है। स्टोरी के अंदर भी हमें उतना खास कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो स्टोरी है एक तरह से पहले से ही मूवी में दूसरे मूवी हमें देखने को मिलता है, इसलिए लोग क्या कहें स्टोरी को कॉपी किए हैं, तो इसलिए जो बजट है वो बहुत कम लगा इस मूवी के अंदर। उसी के बाद बॉक्स ऑफिस गाइस बहुत डिस्करेज आपको देखने को मिलेगा। लाइक जो बॉक्स ऑफिस है, मूवी जो है अभी तक आई थिंक फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी को मिला है 18.7 million US, जो कि बताता है ऑब्वियसली जो मूवी है फ्लॉप जा रहा है, क्योंकि अभी तक अपने बजट को भी ये जो मूवी है कवर नहीं कर पाया है। एंड इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 5.3 IMDb होल्ड कर रहा है, तो मूवी जो है उतना मतलब अच्छा नहीं है, या फिर आप लोग स्किप कर सकते हो इस मूवी को। देख लो, रिलीज डेट इस मूवी का था August 23, 2023 फ्रांस के अंदर, August 25, 2023 यूनाइटेड स्टेट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। ये जो मूवी है आप लोगों को सारे लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा, ड्यूअल चैनल लैंग्वेज मूवी सपोर्ट करता है। लाइक अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो आपको मल्टीपल ऑडियो देखने को मिलेगा, एंड गाइस सेम गोज़ टू अदर लैंग्वेज। आपको लाइक अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको उस कंट्री में जो मूवी है डब्ड देखने को मिलेगा, तो आप अपने लैंग्वेज के अंदर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। एंड उसी के साथ कौन से कंट्री के अंदर ये जो मूवी है रिकॉर्ड हुआ है, तो देख लो, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो मूवी है पूरा शूट आउट हुआ है। 90 मिनट्स का टोटल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा मूवी के अंदर, जहाँ पे अभी देखा जाए इंटरनेशनल को प्रोडक्शन फ्रांस में हुआ था, जर्मनी, स्पेन के अंदर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। रिट्रीब्यूशन का रिलीज डेट मैंने बता दिया,
लेकिन सबसे ज़्यादा गाइस वही ना, मतलब होता है ना क्रिटिक्स, इसे क्रिटिज्म फेस करना पड़ रहा है इस मूवी को, जैसे कि IMDB भी बहुत कम है इस मूवी का। उसी के साथ इस मूवी का लाइक देखा जाए तो इस मूवी का जो लाइक बजट है एंड बॉक्स ऑफिस है वो भी कवर अप नहीं हो पाया, इसलिए जो मूवी है राइट नाउ फ्लॉप कंडीशन में है। एंड जो इसके प्रोडक्शन कंपनियाँ लाइक द पिक्चर वन कंपनी, ओमरा फिल्म, TF1 फिल्म स्टूडियो एंड स्टूडियो बेबल्सबर्ग, तो ये जो गाइस है ये सारे लोग भी बोल रहे हैं मतलब ये जो मूवी है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है लाइक जो एक्सपेक्टेड था इन लोगों का। मतलब इन लोगों को लग रहा था जो मूवी आराम से $50 मिलियन तक जाएगा, लेकिन ये जो मूवी है उतना अभी तक नहीं अर्न कर पाया। एंड गाइस अब रही मेरी बात, मतलब मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में, तो मैं गाइस ऑब्वियसली लियाम नेसोन जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं आप जानते ही हो, तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि ये जो मूवी है जाके देखो। अगर आपने 2015 में जो आई स्पेनिश फिल्म उसको नहीं देखा है तो 100% मैं एक बार रिकमेंड करूंगा, ये जो मूवी है बहुत अच्छा मूवी है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। थिएटर में तो नहीं देख सकते हो जानती हो तुम लोग, तो मेक श्योर करो OTT चैनल पर देख दो, या फिर भाई तरीके बहुत सारे हैं मूवी देखने का, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, अदरवाइज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी देता कैसे देखना है किसी मूवी को। तो यार आप लोग जाके YouTube पे सर्च कर लेना कैसे मूवी को देखना है, एंड उसके बाद इस मूवी को जरूर देखो। एंड एक बार जरूर आके कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये जो मूवी है आप लोगों को कितना अच्छा लगा है। अदरवाइज मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड नोटिफिकेशन दबा लेते हो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मैं बताते रह पाऊँ। तो गाइस हाँ, बाय बोलने से पहले एक और बात बता दे रहा हूँ, मतलब मूवी के अंदर कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लियाम नेसोन जो है वो मैट टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं, नॉम डीमिन विनी जो है वो एंजेला ब्रिकमैन का रोल प्ले कर रही हैं, लिली एस्पेल जो है एमिला टर्नर का रोल प्ले कर रही हैं, एंड जो जैक चैम्पियन है वो जैक टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग को और 3-4 क्र्यू एंड मेंबर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली गाइस पता है क्र्यू का जो है उनका इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं आ पाता है, आर्टिकल में वैसा नहीं होता है, तो हम लोग करते हैं जो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस मेन स्क्रीन पे प्ले कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। लाइक मैथ्यू मॉडेन जो है वो एंड्रियस मुलर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड उसी के साथ लास्ट में आपको एम्बेथ डेविड्स जो हैं हेथर टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब गाइस आप लोग जा सकते हो एंड मेक श्योर करो मूवी को जाके देखते हो, उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हो, एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी और अगले कमाल की वीडियो के अंदर कर लेते हो ताकि आप लोगों को लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर से अपडेटेड रह पाओ। तो मेक श्योर करो सब्सक्राइब करते हो एंड उसके बाद जाके कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा आप कमेंट कर देना, एंड मेक श्योर करो गाइस बेल आइकन भी दबा लेते हो ताकि जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। रेट्रीब्यूशन जो मूवी है इसको टोटल IMDB पे 10 out of 5.3 का रेटिंग मिला है। तो हाँ गाइस पता है मैं अपने पुराने वीडियो में मैं बोलता हूँ 5.3 रेटिंग मतलब हाँ उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लाइक 5.9 के ऊपर जो रेटिंग होता है वो बहुत अच्छा मूवी बताता है। लेकिन ये जो मूवी है गाइस एक्शन थ्रिलर मूवी है, समझ जाओ, तो ये जो मूवी है वन टाइम वॉच मूवी है एंड आपको 100% एक बार देखना चाहिए। लाइक देख लो रेटिंग भी दिया है इसे टोटल 15,000 यूज़र ने, 10 out of 5.3 का रेटिंग दिए हैं 15,000 यूज़र, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेटिंग है। उसी में 140 का हम लोगों को यूज़र रिव्यू देखने को मिलता है, 84 का क्रिटिक्स रिव्यू, एंड उसी के साथ मेटा स्कोर इस मूवी का है 43 का। तो गाइस हाँ मेटा स्कोर भी थोड़ा कम लग रहा है ना, क्योंकि 78 का होता है, 100 का मेटा स्कोर होता है, तो वो जो मूवी है बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो मूवी है फेमस उतना नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा इस मूवी को देखा जा रहा है, क्योंकि इसका जो थ्रिलर है ना इस मूवी के अंदर थ्रिल बहुत ज़बरदस्त है भाई, बैंक के रिलेटेड जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। ये जो मूवी है कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ Amazon Prime Video अगर आपके पास है तो उस पर आप इस मूवी को देख सकते हो, एंड Google Play Movies एंड TV पे आप 150 रुपीज़ पे करके देख सकते हो, रेंटल ऑप्शन उधर Google Play एंड मूवीज़ पे आपको पता ही होगा। एंड उसी के साथ अगर Apple के भाई कुछ फ़ैन हो, Apple TV लिखे हो, तो आप 150 रुपीज़ दे के Apple TV पे भी दे सकते हो, अदरवाइज आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप उधर से भी इस मूवी को देख सकते हो। लेकिन मेन आते हैं हम लोग रोटन टमाटोज़ के रेटिंग पे, जहाँ पे रेट्रीब्यूशन मूवी को 28% का टमाटो मीटर्स मिला है, एंड उसी के साथ ऑडियंस स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, लाइक 66% का इस मूवी का ऑडियंस स्कोर है। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ क्योंकि इसमें अपना हॉनेस्ट रिव्यू भी बताऊँगा मूवी मेरे को कैसा लगा, एंड आप लोग उसके बाद देख लेना आपको देखना है कि नहीं देखना है। इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर मैं बता देता हूँ, एंड उसी के साथ मैं आपको अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊँगा कि आपको वन टाइम देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। रेट्रीब्यूशन जो है 2023 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं निमरॉड एंटल एंड इसके राइटर हैं क्रिस सेलमैन पोर, एंड इस मूवी के अंदर हम लोग को स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे लियाम नेसोन एंड नोमन डेम्यूजी, लिली एस्पेल, जैक चैम्पियन, एम्बेथ डेविड्स एंड मैथ्यू मॉडेन, तो इतने सारे हम लोगों को इस मूवी के अंदर कैस्ट एंड क्रू में देखने को मिलते हैं। एंड आपको पता होगा ये जो मूवी है रीमेक मूवी है, तो मेक श्योर करो ये मत भूलना, 2015 के अंदर एक स्पेनिश मूवी आई थी जिसका नाम था डेस्कॉन कीड़ा,
ये जो मूवी है इसी मूवी का ये रीमेक वर्जन है। तो हाँ, अगर आपने स्पेनिश 2015 का मूवी देख रखा है तो ऑब्वियसली गाइस आप इस मूवी को एस्केप कर सकते हो। मैं तो बोलूंगा देखना ही मत, क्योंकि आपने पहले एक स्टोरी को देख रखा है तो उसी स्टोरी पे भी जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। 2015 में रिलीज हुआ था, याद रखना, डेस्कॉन्ग किडो करके मूवी था। एंड अब गाइस हम लोग बढ़ते हैं इस मूवी के मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस क्या है, लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मूवी का बजट जाना, वो था अराउंड 20 मिलियन, और देखा जाए हॉलीवुड के हिसाब से तो भाई बहुत कम बजट है। मतलब हॉलीवुड का एक मीडियम एवरेज बजट हम लोग रखा जाए तो भी स्टार्ट होता है 100 मिलियन US डॉलर या फिर 78-68 मिलियन US डॉलर, लेकिन इस मूवी का बजट ही बहुत कम है, देख रहे हो ना, 20 मिलियन US डॉलर है। तो मतलब हाँ, जस्टिफाई करता है। स्टोरी के अंदर भी हमें उतना खास कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो स्टोरी है एक तरह से पहले से ही मूवी में दूसरे मूवी हमें देखने को मिलता है, इसलिए लोग क्या कहें, स्टोरी को कॉपी किए हैं, तो इसलिए जो बजट है वो बहुत कम लगा इस मूवी के अंदर। उसी के बाद बॉक्स ऑफिस गाइस बहुत डिस्करेज आपको देखने को मिलेगा, लाइक जो बॉक्स ऑफिस है मूवी जो है अभी तक आई थिंक फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी को मिला है 18.7 मिलियन US डॉलर, जो कि बताता है ऑब्वियसली ये जो मूवी है फ्लॉप जा रहा है, क्योंकि अभी तक अपने बजट को भी ये जो मूवी है कवर नहीं कर पाया है। एंड इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 5.3 IMDb होल्ड कर रहा है, तो मूवी जो है उतना मतलब अच्छा नहीं है, या फिर आप लोग स्किप कर सकते हो इस मूवी को। देख लो, रिलीज डेट इस मूवी का था August 23, 2023 फ्रांस के अंदर, August 25, 2023 यूनाइटेड स्टेट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। ये जो मूवी है आप लोगों को सारे लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा, ड्यूअल चैनल लैंग्वेज मूवी सपोर्ट करता है, लाइक अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो आपको मल्टीपल ऑडियो देखने को मिलेगा, एंड गाइस सेम गोज टू अदर लैंग्वेज आपको, लाइक अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको उस कंट्री में जो मूवी है डब्ड देखने को मिलेगा, तो आप अपने लैंग्वेज के अंदर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। एंड उसी के साथ कौन से कंट्री के अंदर जो मूवी है रिकॉर्ड हुआ है, तो देख लो, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो मूवी है पूरा शूट आउट हुआ है। 90 मिनट्स का टोटल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा मूवी के अंदर, जहाँ पे अभी देखा जाए इंटरनेशनल को प्रोडक्शन फ्रांस में हुआ था, जर्मनी, स्पेन के अंदर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। रेट्रीब्यूशन का रिलीज डेट मैंने बता दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा गाइस वही ना, मतलब होता है ना, क्रिटिक्स से क्रिटिज्म फेस करना पड़ रहा है इस मूवी को, जैसे कि IMDb भी बहुत कम है इस मूवी का। उसी के साथ इस मूवी का लाइक देखा जाए तो इस मूवी का जो लाइक बजट है एंड बॉक्स ऑफिस है वो भी कवर अप नहीं हो पाया, इसलिए जो मूवी है राइट नाउ फ्लॉप कंडीशन में है। एंड जो इसके प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं, लाइक द पिक्चर वन कंपनी, ओमरा फिल्म, TF1 फिल्म स्टूडियो एंड स्टूडियो बेबल्सबर्ग, तो ये जो गाइस है ये सारे लोग भी बोल रहे हैं मतलब ये जो मूवी है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, लाइक जो एक्सपेक्टेड था इन लोगों का, मतलब इन लोगों को लग रहा था मूवी आराम से 50 मिलियन US डॉलर तक जाएगा, लेकिन ये जो मूवी है उतना अभी तक नहीं अर्न कर पाया। एंड गाइस अब रही मेरी बात, मतलब मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में, तो मैं गाइस ऑब्वियसली लियाम नेसोन जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं आप जानते ही हो, तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि ये जो मूवी है जाके देखो। अगर आपने 2015 में जो आई स्पेनिश फिल्म उसको नहीं देखा है तो 100% मैं एक बार रिकमेंड करूंगा, ये जो मूवी है बहुत अच्छा मूवी है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। थिएटर में तो नहीं देख सकते हो, जानते हो तुम लोग, तो मेक श्योर करो OTT चैनल पर देख दो, या फिर भाई तरीके बहुत सारे हैं मूवी देखने का, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, अदरवाइज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी देता कैसे देखना है किसी मूवी को। तो यार आप लोग जाके YouTube पे सर्च कर लेना कैसे मूवी को देखना है, एंड उसके बाद इस मूवी को जरूर देखो, एंड एक बार जरूर आके कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये जो मूवी है आप लोगों को कितना अच्छा लगा है। अदरवाइज मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड नोटिफिकेशन दबा लेते हो, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मैं बताते रह पाऊँ। तो गाइस हाँ, बाय बोलने से पहले एक और बात बता दे रहा हूँ, मतलब मूवी के अंदर कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लियाम नेसोन जो हैं वो मैट टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं, नॉम डीमिन विनी जो हैं वो एंजेला ब्रिकमैन का रोल प्ले कर रही हैं, लिली एस्पेल जो हैं एमिला टर्नर का रोल प्ले कर रही हैं, एंड जो जैक चैम्पियन है वो जैक टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग को और 3-4 क्रू एंड मेंबर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली गाइस पता है क्रू का जो है उनका इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं आ पाता है, आर्टिकल में वैसा नहीं होता है, तो हम लोग करते हैं जो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस मेन स्क्रीन पे प्ले कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। लाइक मैथ्यू मॉडेन जो है वो एंड्रियस मुलर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड उसी के साथ लास्ट में आपको एम्बेथ डेविड्स जो हैं हेथर टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब गाइस आप लोग जा सकते हो एंड मेक श्योर कर लो मूवी को जाके देखते हो, उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हो, एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी और अगले कमाल की वीडियो के अंदर कर लेते हो, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर से अपडेटेड रह पाओ। तो मेक श्योर करो सब्सक्राइब करते हो, एंड उसके बाद जाके कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा आप कमेंट कर देना, एंड मेक श्योर कर लो गाइस बेल आइकन भी दबा लेते हो, ताकि जैसे मैं वीडियो आपको अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। रेट्रीब्यूशन जो मूवी है इसको टोटल IMDb पे 10 आउट ऑफ 5.3 का रेटिंग मिला है, तो हाँ गाइस पता है
मैं अपने पुराने वीडियो में मैं बोलता हूँ 5.3 रेटिंग मतलब हाँ उतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, लाइक 5.9 के ऊपर जो रेटिंग होता है वो बहुत अच्छा मूवी बताता है। लेकिन ये जो मूवी है गाइस एक्शन थ्रिलर मूवी है, समझ जाओ। तो ये जो मूवी है वन टाइम वॉच मूवी है एंड आपको 100% एक बार देखना चाहिए। लाइक देख लो, रेटिंग भी दिया है इसे टोटल 15,000 यूज़र ने, 10 out of 5.3 का रेटिंग दिए हैं 15,000 यूज़र, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रेटिंग है। उसी में 140 का हम लोगों को यूज़र रिव्यू देखने को मिलता है, 84 का क्रिटिक्स रिव्यू एंड उसी के साथ मेटा स्कोर इस मूवी का है 43 का। तो गाइस हाँ, मेटा स्कोर भी थोड़ा कम लग रहा है ना, क्योंकि 78 का होता है, 100 का मेटा स्कोर होता है, तो वो जो मूवी है बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो मूवी है फेमस उतना नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस मूवी को देखा जा रहा है, क्योंकि इसका जो थ्रिलर है ना, इस मूवी के अंदर थ्रिल बहुत ज़बरदस्त है भाई। बैंक के रिलेटेड जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। ये जो मूवी है कौन से OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, Amazon प्राइम वीडियो अगर आपके पास है तो उस पर आप इस मूवी को देख सकते हो, एंड Google Play मूवीज़ एंड TV पे आप 150 रुपीज़ पे करके देख सकते हो, रेंटल ऑप्शन उधर Google Play एंड मूवीज़ पे आपको पता ही होगा। एंड उसी के साथ अगर Apple के भाई कुछ फ़ैन हो, Apple TV लिखे हो, तो आप 150 रुपीज़ दे के Apple TV पे भी दे सकते हो। अदरवाइज आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप उधर से भी इस मूवी को देख सकते हो। लेकिन मेन आते हैं हम लोग रोटन टमाटोज़ के रेटिंग पे, जहाँ पे रिट्रीब्यूशन मूवी को 28% का टमाटो मीटर्स मिला है एंड उसी के साथ ऑडियंस स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, लाइक 66% का इस मूवी का ऑडियंस स्कोर है। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हूँ, क्योंकि इसमें अपना हॉनेस्ट रिव्यू भी बताऊँगा मूवी मेरे को कैसा लगा, एंड आप लोग उसके बाद देख लेना आपको देखना है कि नहीं देखना है। इसके सारे फैक्ट्स एंड फिगर मैं बता देता हूँ एंड उसी के साथ मैं आपको अपना हॉनेस्ट ओपिनियन बताऊँगा कि आपको वन टाइम देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। रिट्रीब्यूशन जो है 2023 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसके डायरेक्टर हैं निमरॉड एंटल एंड इसके राइटर हैं क्रिस सेलमैन पोर। एंड इस मूवी के अंदर हम लोग को स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे लियाम नेनसोन एंड नोमन डेम्यूजी, लिली एस्पेल, जैक चैम्पियन, एम्बेथ डेविड्स एंड मैथ्यू मोडिन। तो इतने सारे हम लोगों को इस मूवी के अंदर कैस्ट एंड क्रू में देखने को मिलते हैं। एंड आपको पता होगा ये जो मूवी है रीमेक मूवी है, तो मेक श्योर करो ये मत भूलना, 2015 के अंदर एक स्पेनिश मूवी आई थी जिसका नाम था डेस्कॉनकीडा। ये जो मूवी है इसी मूवी का ये रीमेक वर्जन है। तो हाँ, अगर आपने स्पेनिश 2015 का मूवी देख रखा है तो ऑब्वियसली गाइस आप इस मूवी को एस्केप कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा देखना ही मत, क्योंकि आपने पहले एक स्टोरी को देख रखा है, तो उसी स्टोरी पे भी जो मूवी है आपको देखने को मिलेगा। 2015 में रिलीज हुआ था, याद रखना, डेस्कॉनकीडा करके मूवी था। एंड अब गाइस हम लोग बढ़ते हैं इस मूवी के मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर, जहाँ पे इस मूवी का बॉक्स ऑफिस क्या है, लाइक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो मूवी का बजट जाना वो था अराउंड 20 मिलियन, और देखा जाए हॉलीवुड के हिसाब से तो भाई बहुत कम बजट है। मतलब हॉलीवुड का एक मीडियम एवरेज बजट हम लोग रखा जाए तो भी स्टार्ट होता है 100 मिलियन US डॉलर या फिर 68 मिलियन US डॉलर, लेकिन इस मूवी का बजट ही बहुत कम है, देख रहे हो ना, 20 मिलियन US डॉलर है। तो मतलब हाँ, जस्टिफाई करता है, स्टोरी के अंदर भी हमें उतना खास कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पूरा जो स्टोरी है एक तरह से पहले से ही मूवी में दूसरे मूवी हमें देखने को मिलता है, इसलिए लोग क्या कहें, स्टोरी को कॉपी किए हैं, तो इसलिए जो बजट है वो बहुत कम लगा इस मूवी के अंदर। उसी के बाद बॉक्स ऑफिस गाइस बहुत डिस्करेज आपको देखने को मिलेगा, लाइक जो बॉक्स ऑफिस है मूवी जो अभी तक आई थिंक फ्लॉप हो रहा है, क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे इस मूवी को मिला है 18.7 मिलियन US डॉलर, जो कि बताता है ऑब्वियसली ये जो मूवी है फ्लॉप जा रहा है, क्योंकि अभी तक अपने बजट को भी ये जो मूवी है कवर नहीं कर पाया है। एंड इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था 5.3 IMDb होल्ड कर रहा है, तो मूवी जो है उतना मतलब अच्छा नहीं है, या फिर आप लोग स्किप कर सकते हो इस मूवी को। देख लो, रिलीज डेट इस मूवी का था August 23, 2023 फ्रांस के अंदर, August 25, 2023 यूनाइटेड स्टेट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। ये जो मूवी है आप लोगों को सारे लैंग्वेज के अंदर सपोर्ट देखने को मिलेगा, ड्यूअल चैनल लैंग्वेज मूवी सपोर्ट करता है, लाइक अगर आप हिंदी में देखना चाहते हो तो आपको मल्टीपल ऑडियो देखने को मिलेगा, एंड गाइस सेम गोज़ टू अदर लैंग्वेज, आपको लाइक अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपको उस कंट्री में जो मूवी है डब्ड देखने को मिलेगा, तो आप अपने लैंग्वेज के अंदर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हो। एंड उसी के साथ कौन से कंट्री के अंदर जो मूवी है रिकॉर्ड हुआ है, तो देख लो, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो मूवी है पूरा शूट आउट हुआ है। 90 मिनट्स का टोटल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा मूवी के अंदर, जहाँ पे अभी देखा जाए इंटरनेशनल को प्रोडक्शन फ्रांस में हुआ था, जर्मनी, स्पेन के अंदर एंड यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। रिट्रीब्यूशन का रिलीज डेट मैंने बता दिया,
लेकिन सबसे ज़्यादा गाइस वही ना, मतलब होता है ना, क्रिटिक्स से क्रिटिज्म फेस करना पड़ रहा है इस मूवी को, जैसे कि IMDb भी बहुत कम है इस मूवी का। उसी के साथ इस मूवी का लाइक देखा जाए तो इस मूवी का जो लाइक बजट है एंड बॉक्स ऑफिस है वो भी कवर अप नहीं हो पाया, इसलिए जो मूवी है राइट नाउ फ्लॉप कंडीशन में है। एंड जो इसके प्रोडक्शन कंपनियाँ हैं लाइक द पिक्चर वन कंपनी, ओमरा फिल्म, TF1 फिल्म स्टूडियो एंड स्टूडियो बेबल्सबर्ग, तो ये जो गाइस है ये सारे लोग भी बोल रहे हैं मतलब ये जो मूवी है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है लाइक जो एक्सपेक्टेड था इन लोगों का। मतलब इन लोगों को लग रहा था ये जो मूवी आराम से $50 million तक जाएगा, लेकिन ये जो मूवी है उतना अभी तक नहीं अर्न कर पाया। एंड गाइस अब रही मेरी बात, मतलब मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन क्या है इस मूवी के बारे में, तो मैं गाइस ऑब्वियसली लियाम नेसोन जो है बहुत अच्छे एक्टर हैं आप जानते ही हो, तो मैं 100% रिकमेंड करूँगा कि ये जो मूवी है जाके देखो। अगर आपने 2015 में जो आई स्पेनिश फिल्म उसको नहीं देखा है तो 100% मैं एक बार रिकमेंड करूँगा, ये जो मूवी है बहुत अच्छा मूवी है, आपको एक बार ज़रूर जाके देखना चाहिए। थिएटर में तो नहीं देख सकते हो जानती हो तुम लोग, तो मेक श्योर करो OTT चैनल पर देखते हो, या फिर भाई तरीके बहुत सारे हैं मूवी देखने का, वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, अदरवाइज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता भी देता कैसे देखना है किसी मूवी को। तो यार आप लोग जाके YouTube पे सर्च कर लेना कैसे मूवी को देखना है, एंड उसके बाद इस मूवी को जरूर देखो। एंड एक बार जरूर आके कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये जो मूवी है आप लोगों को कितना अच्छा लगा है। अदरवाइज मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब करते हो एंड नोटिफिकेशन दबा लेते हो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मैं बताते रह पाऊँ। तो गाइस हाँ, बाय बोलने से पहले एक और बात बता दे रहा हूँ, मतलब मूवी के अंदर कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो लियाम नेसोन जो है वो मैट टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं, नॉम डीमिन विनी जो है वो एंजेला ब्रिकमैन का रोल प्ले कर रही हैं, लिली एस्पेल जो है एमिला टर्नर का रोल प्ले कर रही हैं, एंड जो जैक चैम्पियन है वो जैक टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। इसी के साथ हम लोग को और 3-4 क्रू एंड मेंबर देखने को मिलते हैं। एक्चुअली गाइस पता है क्रू का जो है उनका इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं आ पाता है, आर्टिकल में वैसा नहीं होता है, तो हम लोग करते हैं जो मेन एक्टर एंड एक्ट्रेस मेन स्क्रीन प्ले कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन बताते हैं। लाइक मैथ्यू मॉडेन जो है वो एंड्रियस मुलर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड उसी के साथ लास्ट में आपको एम्बेथ डेविड्स जो हैं हेथर टर्नर का रोल प्ले कर रहे हैं। अब गाइस आप लोग जा सकते हो एंड मेक श्योर कर लो मूवी को जाके देखते हो, उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देते हो, एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी और अगले कमाल की वीडियो के अंदर।